हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल जेडी साइंस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम इलाहाबाद हाई कोर्ट के लिए घटना चक्र टो बुक के जो हैं प्रैक्टिस कर रहे हैं, जिसमें हम ग्रुप सी, ग्रुप डी, स्टेनो और ड्राइवर के लिए, ठीक है भाई, तो फुल प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं। तो आज का हमारे प्रैक्टिस सेट नंबर 6 नंबर होगा, ठीक है भाई, 6 नंबर होगा। ये देखिए, इसके 5 प्रैक्टिस सेट करा दिए हैं जो कि प्लेलिस्ट भी बना दिए, अगर आप नहीं देखे हैं तो वहाँ से जाकर देख लीजिए, ठीक है। तो इसका हम फुल प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है, इसमें इंग्लिश भी, मैथ भी, जीएस भी और हिंदी भी, ठीक है भाई। तो आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, ठीक है भाई। चलिए देखिए, पहला प्रश्न देखिए, पहले पार्ट में आपका हिंदी है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? यहाँ पे आपको पुल्लिंग शब्द बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, कह रहे हैं कि अंधेर, नकेल, मुंडेर या बटेर। तो यहाँ पे पुल्लिंग शब्द आपका कौन सा हो जाएगा, सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तो अंधेर ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर यहाँ पे सही हो जाएगा। अंधेर जो है पुल्लिंग शब्द है और शेष क्या भी सभी स्त्री लिंग हो जाएंगे, ठीक। तो ऑप्शन नंबर आपका ए आपका यहाँ सही हो जाएगा, ठीक है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन से एक पुल्लिंग शब्द है, ठीक है। तो यहाँ पे पुल्लिंग शब्द आपको बताना है, ठीक है। राइट आंसर आपका यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, कहें कि चाय, सिकंजी, लस्सी या दही। तो यहाँ पे देखिए, ये कई बार है, राइट आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर, दही जो है कैसा है पुल्लिंग शब्द हो जाएगा और सभी सब क्या है स्त्री लिंग शब्द है, ठीक है भाई। तो यहाँ पे दही अच्छा है, तो यहाँ पे आपको अच्छी अच्छी यहाँ पर विशेषण लगाने पे फेल हो जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना। तो दही खाई नहीं खाए, ठीक है। तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, दही जो है आपका कैसा है पुल्लिंग शब्द हो जाएगा। अगला देखते हैं, कहने की पुस्तक रखी है, वाक्य में वचन बताइए। तो यहाँ पे आपको वचन बताना है, तो राइट आंसर हो जाएगा, देखिए पुस्तक है सिर्फ एक सिंगल है, तो यहाँ पे एक वचन ही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, एक वचन, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल यहाँ सही हो जाएगा, ठीक है। अगला देखते हैं भाई, कह रहे हैं कि निम्न में से संयुक्त व्यंजन है, यहाँ पे आपको बताना है संयुक्त व्यंजन कौन सा है। देखिए आपको हमने बता रखा है कि संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं भाई, 4 होते हैं, कौन कौन, छ, त्र और ज्ञा और कौन भाई, सरा, ठीक है। तो ये आपके 4 जो हैं संयुक्त व्यंजन होते हैं, तो इसमें राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, तो यहाँ पे आपका कौन सा हो जाएगा भाई, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। ये स प्लस रा से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इनके जो हैं आपको छ किससे मिलकर बना हुआ है भाई, तो ये छ जो है आपका किससे मिलकर बना है, का हलंत प्लस सा से, ठीक है। और त्रा तरा संयुक्त व्यंजन किससे मिला हुआ, ता हलंत प्लस रा से, ठीक है। और आपका कौन सा बच्चा, ज्ञा, ज्ञा किससे मिलकर बना है, ज्या प्लस इया से, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, इस प्रकार आपके 4 जो हैं संयुक्त व्यंजन होते हैं, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला देखते हैं, जिस संज्ञा शब्द से किसी के गुण, दोष, दशा आदि का बोध होता है कहते हैं, उसे क्या कहते हैं। राइट आंसर आपका यहाँ हो जाएगा, देखिए गुण, दोष, दशा, तो ये आपका भाववाचक संज्ञा होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा। जातिवाचक संज्ञा किसी जाति समूह का व्यक्त होता है। द्रव्यवाचक संज्ञा जैसे सोना चांदी हो गया। समूहवाचक में आपका क्या होता है, इसमें समूह को व्यक्त करता है, जैसे कक्षा हो गया, ठीक है, सभा हो गया, पुस्तकालय हो गया। तो ये आपको ध्यान रखना, ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी नंबर सही हो जाएगा। देखिए व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है, जिसके समान, जिसके जैसा समान और कोई ना हो, वहां पर व्यक्तिवाचक आता है। और भाववाचक संज्ञा है जो प्लेट या तस्तरी में क्या है, परोसा ना जा सके, ठीक है, वहां पे जैसे बुराई, भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है, ठीक है भाई। तो इस प्रकार आपका सी यहाँ सही हो जाएगा। संज्ञा आप जानते हैं 6 प्रकार की होती है। करे उसने कुछ नहीं खाया, मैं कुछ किस सर्वनाम का, अच्छा मैंने संज्ञा सब कितने भी 5 प्रकार की होती, सॉरी मैंने 6 बोल दिया, 6 तो सर्वनाम होता है, ठीक है, तो 5 प्रकार की संज्ञा है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। उसने कुछ नहीं खाया, मैं कुछ किस सर्वनाम का बोधक है, ठीक है। तो ये सर्वनाम जो है आपके 6 भेद होते हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा, कहने की कुछ नहीं खाया भाई। तो ये कैसा करें, प्रश्नवाचक, ऐसा कुछ नहीं भाई, प्रश्न नहीं कर रहे हैं। संबंधवाचक नहीं, निजवाचक यह वह नहीं दिख रहा है, तो अनिश्चयवाचक, तो भाई कुछ ये आपका कैसा है, ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम को व्यक्त कर रहा है। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल यहाँ सही हो जाएगा, ठीक है। संबंधवाचक में जो और सो आता है, ठीक है, जो और सो आता है ऐसे पहचानेंगे, ऐसा कुछ नहीं दिखा, ठीक है। निजवाचक में जानते हैं आप ही यहाँ पर प्रयोग हो, वहाँ पर निजवाचक सर्वनाम होता है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं भाई,
मौसम आज कुछ सुहावना सा है, वाक्य में सुहावना शब्द किसका परिचायक शब्द है, ये आपको बताना है। सुहावना कैसा शब्द है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगी, ये विशेषण है, ठीक है। विशेषण चार भेद होते हैं। अगला है, वह नौकर नहीं आया, वाक्य में वह कौन सा विशेषण है, ठीक है भाई। तो ये आपको बताना है, राइट आंसर आपका यहाँ हो जाएगा, देखिए यह वह सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा, आपका यहाँ ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल यहाँ सही हो जाएगा, ठीक है। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से विशेष पद है, यहाँ पे आपको विशेष पद बताना है। देखिए जिसकी विशेषता बताई जाती है वही विशेष पद होता है, ठीक है। तो देखिए करें, उमा कालिमा ये विशेषण है, मधुरिका विशेषण है, महिमा विशेषण, ये उमा जो है आपका क्या हो जाएगा, विशेष शब्द हो जाएगा, ठीक है। और शेष क्या है भाई, विशेषण है। अगला है, कह रहे कि सकर्मक क्रिया का उदाहरण बताइए, सकर्मक क्रिया। देखिए तो सकर्मक क्रिया जिसमें कर्ता कार्य करता है लेकिन फल किस पे पड़ता है, कर्म पर पड़ता है, वहां पर आपका सकर्मक क्रिया होती है। करें कि दौड़ना, भाई क्या दौड़ना, मतलब स्वयं दौड़ रहे हो, हंसना हंस रहे हो, आना स्वयं आ रहे हो, ये सब क्या है, अकर्मक के अंतर्गत आएगी। पढ़ना, भाई क्या पढ़ रहे हो, पुस्तक पढ़ रहे हैं, तो ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा, यहाँ पे पढ़ना जो है क्रिया क्या हो जाएगी भाई, आपका सकर्मक क्रिया हो जाएगी। अगला देखते हैं, कारक के भेद बताइए, ठीक है भाई। कारक के आपको भेद बताना है, तो ये आप जानते हैं कारक के कितने भेद होते हैं और कारक चिन्ह भी आपको तैयार कर लेना है भाई। तो कारक के जानते हैं आप, आठ भेद होते हैं, ठीक है भाई, आठ भेद होते हैं। कौन से होते हैं, कर्ता कारक जिसका चिन्ह होता है ने, ठीक है, कर्म कारक जिसका चिन्ह होता है को, ठीक है, करण कारक जिसका चिन्ह होता है से या द्वारा, ठीक है, के द्वारा होता है, ठीक है, के द्वारा ये चिन्ह है। संप्रदान को के लिए होता है, ठीक है, को के लिए होता है, ठीक है। और अपादान, अपादान से जहाँ पे तुलना दिखे, समानता अलगाव डर, वहाँ पे भाई अपादान कारक होता है। संबंध कारक का चिन्ह का की के रारी रे होता है, ठीक है। अधिकरण कारक का में पर, में पे पर होता है, ठीक है, ये आपको में पे पर, ठीक है, ये चिन्ह होता है अधिकरण कारक। और अधिकरण कारक चिन्ह कैसे पहचाने, जिसकी सहायता से कोई कार्य संपन्न हो, जैसे राम ने पेन से पत्र लिखा, तो पत्र के पेन की सहायता से पत्र लिखा जा रहा है, काम पूरा हो जा रहा है, तो ये कौन सा हो जाएगा, अधिकरण कारक। संबोधन जानते हैं भाई, हे ऐसे लिखा रहेगा, आपको यहाँ संबोधन का चिन्ह लगा रहेगा, तो आप पहचान जाएंगे, ठीक है, हे अरे हो ओ जी, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं भाई, करें कि हरिमोहन, करें कि हरिमोहन अपनी बहन को पुस्तक देता है, वाक्य में रेखांकित पद कारक है, तो इसमें कौन सा कारक आपको बताना है, ठीक है। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, तो यहाँ पे देखिए संप्रदान हो जाएगा, देखिए जहाँ कुछ देने की बात हो वहाँ पर संप्रदान कारक आता है, ठीक है, संप्रदान कारक आता है, ठीक है। और इसकी चिन्ह जानते हैं, को के लिए होता है कारक चिन्ह, ठीक है। तो कारक से भाई एक प्रश्न तो श्योर है आना है। पुष्प का पर्यायवाची निम्न में से कौन सा है, तो ये आपको बताना है, पुष्प का पर्यायवाची, ठीक है। तो पुष्प के पर्यायवाची कैसे होते हैं, देखिए सुमन भी होता है, सुमन, ठीक है, सुमन फूल होता है, ठीक है, और क्या होता है, कुसुम भी होता है, कुसुम होता है, ठीक है भाई, कुसुम होता है, पुहुप होता है, पुहुप पुहुप होता है, और क्या होता है, गुल होता है, प्रसून होता है, प्रसून कई बार पूछा गया भी, प्रसून होता है, ये है जो है पुष्प के क्या है, पर्यायवाची। तो आपको बताइए कौन सा राइट आंसर, सुमन हो जाएगा, ठीक है भाई, ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा, सुमन जो है किसका पर्यायवाची है, पुष्प का। देखिए यहाँ डी नंबर में बड़ा उप मात्रा लिख दिया है, लेकिन मात्रा भी ध्यान देना है, तो डी नहीं होगा, ठीक है, छोटा उप मात्रा रहेगा ना सुमन में, ठीक। तो ऑप्शन डी सी आपका बिल्कुल यहाँ राइट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ देखिए क्षण प्रभा आया, क्षण प्रभा के कुछ देखिए पर्यायवाची, जैसे सौदामिनी बोलते हैं, तड़ित बोलते हैं, चपला बोलते हैं, ठीक है, इसको बिजली भी कहते हैं, ठीक है। अब देखिए ये आपका गद्यांश है, तो हम कहिए गद्यांश पढ़ दें या आप गद्यांश कर लीजिए, गद्यांश में कोई दिक्कत नहीं होती है, ठीक है। चलिए इसको आप 14 से 18 कर लीजिएगा, इसको 14 से 18 तक, ठीक है। तो इसको मैं क्या, आप इसको कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, इसको पढ़ेंगे 14 से 18 क्वेश्चन का जवाब आ जाएंगे, ठीक है। तो ये आप करिएगा, तो आइए देखते हैं 19 नंबर प्रश्न से, ठीक है भाई, 19 नंबर प्रश्न से, करें कि पूर्व और उत्तर के बीच की दिशा को क्या कहते हैं, ये आपको बताना है, ये आपको बताना है, राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा भाई, उसे ईशान कहते हैं। ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा, यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा भाई, बी नंबर आपका यहाँ पर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। और देखिए चार होता है, ठीक है। अब देखिए पूर्व और उत्तर के बीच क्या कहते हैं,
तो ये ईशान हो गया। ठीक है, अगर दक्षिण और पूर्व के बीच पूछे दिशा तो आग्नेय बोलते हैं। क्या भाई? आग्नेय बोलते हैं किसके? दक्षिण व पूर्व का। ठीक है, और अगर उत्तर और पश्चिम का पूछ ले, उत्तर व पश्चिम का पूछ ले तो क्या बताएंगे? वायव्य बताएंगे, वायव्य। ठीक है, और एक और बच्चा, दक्षिण और पश्चिम की पूछ लें तो नैऋत्य बोलेंगे। ठीक है, नैऋत्य। ठीक है, ये आपका दक्षिण और पश्चिम के बीच की हो जाएगी। तो ये चार थोड़ा आपको ऐसे देखना है। ठीक है, तो ये आपको, ठीक है, तो ये चारों आपको ध्यान रखना है। कह रहे हैं कि आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास, लोकोक्ति का अर्थ बताना है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? देखिए ऑप्शन डी हो जाएगा इसका। किसी कार्य विशेष की उपेक्षा कर दूसरे कार्य को करना। जैसे आए थे आप शहर में पढ़ने, बहुत बच्चे होते हैं आते हैं शहर में पढ़ने, करने कुछ करते हैं, तो वही बात हो यहाँ पर हुई। डी नंबर सही हो जाएगा। करें कि तिरंगा में कौन सा समास है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान दीजिए, समास के भेद कितने होते हैं? 6 भेद होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपका राइट है। देखिए तिरंगा, ती से, तीन का ध्वनि आ रही है, तीन रंगों का मतलब कौन है भाई? तिरंगा। तो तीन रंग किसमें है? तिरंगा। तो देखिए जहाँ पे पहला क्या हो जाए, पद संख्यावाची हो जाए, तो वहाँ पे आपका कौन सा होता है? द्विगु समास। द्विगु, द्विगु ऐसे याद करना, द्विगु मतलब गिनती, दु या रति मतलब जिसमें गिनती आएगी, चौराहा हो जाएगा, त्रिरत्न हो जाएगा, नवग्रह हो जाएगा। ठीक है भाई, उसमें आपका द्विगु समास आता है। ठीक है, अगला है, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य को चुनिए। ठीक है, यहाँ पे आपको शुद्ध वाक्य चुनना है। कहने कि राम रोटी खाया है, राम ने रोटी खाया है, राम ने रोटी खाई है, राम रोटी खा लिया है। तो देखिए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? देखिए ऑप्शन नंबर, रोटी आपका कैसा है? स्त्रीलिंग है, तो खाई आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, राम ने रोटी खाई है। ठीक है, तो ये जो है, जो क्रिया जो है किसके अनुसार आएगी? ये आपका कर्म के अनुसार आएगी। ठीक है भाई, तो राम ने रोटी खाई है शुद्ध हो जाएगा, ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द आपको बतलाना है। ठीक है भाई, देखिए करेंगे, प्रज्वलित बिल्कुल सही है भाई, उज्ज्वल सही है, समुज्ज्वल आपका गलत है। ठीक है, तो राइट आंसर देखिए समुज्ज्वल की कौन सी हो जाएगी? देखिए यहाँ समुज्ज्वल की आपकी तो लिखा हुआ है बी नंबर में, तो बी वाला सही है। ठीक है, तो कौन गलत है? डी नंबर आपका यहाँ ऑप्शन सही हो जाएगा। कनक कनक ते सौ गुनी मद मद काता अधिकाय, यह खाए बौराए नर व पाए बौराए। तो ये आप जानते हैं भाई, बहुत ही आसान प्रश्न है, तो ये जो है यमक अलंकार हो जाएगा। ठीक, इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, जानते हैं किसी शब्द के किस, जब एक ही शब्द बार बार प्रयोग हो तो प्रत्येक बार जो है उसका अर्थ क्या होता है? अलग अलग हो, वहां पर यमक अलंकार होता है। ठीक है, एक कनक का अर्थ जानते हैं धतूरा है, दूसरे कनक का अर्थ क्या? सोना है। तो एक ही शब्द बार बार आया उनका अर्थ लेकिन अलग अलग है, तो वहां यमक अलंकार होता है। ठीक है, अगला कहने की रिक्त स्थान की पूर्ति करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त शब्द का चयन करें। देखिए कह रहे हैं कि लड़का बीमार है, पढ़ने नहीं आया, बताइए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। तो कौन भरेंगे इसमें? तो लड़का बीमार है इसलिए वह पढ़ने नहीं आया, तो बी नंबर भर देंगे, ऑप्शन इसलिए भर देंगे। चलिए अब देखिए मैथ का आपका आ गया। ठीक है, मैथ वाला पोर्शन आपका, चलिए भाई मैथ का देखिए पहला प्रश्न है इसका 26 नंबर देखते हैं। देखिए इसमें आपसे पूछा गया है, नीचे दिए गए पाई चार्ट में एक विशेष वर्ष के दौरान विभिन्न खेलों पर राज्य द्वारा किए गए व्यय को दर्शाया गया है। ठीक है, तो ये आपको देखिए पाई चार्ट आपको गिवन है, तो ये जो है व्यय कुछ दिखाया गया, क्योंकि क्रिकेट पर 20%, टेनिस पर 15%, फुटबॉल पर 10%, बास्केटबॉल पर 12%, हॉकी पर 13% और अन्य पर 30% जो है एक जो है खेल को जो है इस पर दर्शाया गया कि इतना कितना व्यय किस पर किया गया। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आपका नीचे ये प्रश्न है, आइए आप छोटा और थोड़ा करते हैं प्रश्न को, ये है। ठीक है, आइए देखिए, तो कहने की यदि वर्ष के दौरान खेलों पर व्यय की गई कुल राशि, देखिए कुल राशि ये कितना है भाई? 75 लाख रुपए थी, तो क्रिकेट और देखिए क्रिकेट और हॉकी पर कुल मिलाकर कितनी राशि व्यय की गई थी? ठीक है, तो अब देखिए जो कहा है क्रिकेट वाला कहाँ है 20%, और भाई हॉकी वाला कितना है? हॉकी वाला 13%, और इन पे जोड़कर कितना व्यय किया गया? तो आइए देखते हैं, करते हैं भाई, देखिए तो इनको जोड़िए, देखिए 20 और 13 जोड़िए 33, ठीक है 33, कितना 33%, मतलब इस पे नीचे 100 आ जाएगा। ठीक है, और नीचे कितना है 75 लाख का गुणा कर दीजिए, तो आपका आ जाएगा क्या जीरो भाई? 5 जीरो। ठीक है, अब इसे कर दीजिए, ये देखिए 2 जीरो से 2 जीरो आप काट दीजिए, 2 जीरो से 2 जीरो कट दीजिए, देखिए अब इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखिए 33 और 75 का पहले गुणा कर लीजिए, 33 75 का गुणा करेंगे तो 24 75 आ जाएगा, कितना 24
75 आ जाएगा, और 3 जीरो बचा है पीछे 3 जीरो लगा दीजिए, तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा भाई, बी नंबर आपका यहाँ सही हो जाएगा। 24,75,000 जो है रुपए किस पे दोनों मिलाकर खर्च किया गया, क्रिकेट और हॉकी पर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, इसमें आसान प्रश्न था। देखिए ये काफ़ी अच्छा प्रश्न है भाई, ये इंपॉर्टेंस भी अच्छा भी प्रश्न है। करें एक चतुर्भुज ए बी सी डी पर एक परिवृत्त निर्मित है, यदि कोण डी ए बी बराबर 100 डिग्री और कोण ए डी बी बराबर 35 अंश और कोण सी डी बी बराबर 40 अंश तो कोण डी बी सी की माप ज्ञात कीजिए। चलिए भाई इसको पहले फिगर बना लेते हैं, तो एक चतुर्भुज बना लीजिए, ठीक है, चतुर्भुज बना लीजिए, ठीक है, एक चतुर्भुज आप क्या करिए बना लीजिए, ठीक है, बन गया। अब इसके देखिए परिवृत्त मतलब इसके अंदर एक वृत्त बने होगा, परिवृत्त मतलब इसके अंदर, और सभी भुजाओं को टच करता हुआ जाएगा, तो ये टच करता हुआ करा दीजिए भाई, ठीक है, ये टच करते हुआ आपका हो गया, ठीक है, ये आपका परिवृत्त बना। इस प्रकार देखिए आप कहें कि कोण देखिए डी ए बी, तो इसका पहले मान कर लीजिए ए बी सी डी, ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे एक बीच में एक ट्रेंगल बना दीजिए ऐसे डॉट डॉट से, ठीक है, ये लाइन खींच दीजिए, ठीक है, ये ऐसे, ठीक है, ये अब कह रहे हैं कि कोण डी ए बी 100 डिग्री, देखिए डी ए ए पे कितना, ये 100 डिग्री है, ठीक है भाई, 100 डिग्री ये इतने में, अब चलो इसको मिला देते हैं ये ट्रेंगल, ठीक है, ये तो ये जो है ये वाला और ये वाला ध्यान दीजिएगा 100 डिग्री, ठीक है, ये हो गया। आगे देखते हैं भाई, तो कोण ए डी बी 35 डिग्री, मतलब कि ए डी बी ही देखना है, ये 35 डिग्री, ठीक है, ये 35 डिग्री, ठीक है, और देखिए भाई और कुछ दिया है कोण, अब देखिए ये वाले में सी डी बी में ये वाले में, ठीक है, ये वाले में कह रहे हैं कि डी जो है 40 डिग्री, ये 40 डिग्री है, ठीक है, 40 डिग्री है, तो अब क्या पूछा है, बी वाला बताइए, ये वाला बताना है, ये वाला आपको कोण बताना है, कोई दिक्कत नहीं भाई। देखिए जब एक चक्रीय चतुर्भुज के आमने सामने के कोण जो होते हैं वो 180 डिग्री होते हैं, कितने होते हैं 180 डिग्री होती है, तो ए कितना है 100 दिया है, तो प्लस का सी निकाल देते हैं, ये सामने वाले ये जो कि ये इसके सामने ए और सी के सामने वाले प्लस एंगल ऑफ सी बराबर 180 डिग्री, तो भाई उधर ले जाएंगे तो सी कितना आ जाएगा 180 में आप घटा दीजिए कितना 100, तो कितना हो जाएगा 80 डिग्री। अब भाई आपको ये सी मिल गया 80 डिग्री, तो क्या नहीं निकाल सकते हैं, अब डी बी सी में भाई एक ट्रेंगल जो एक त्रिभुज का सम कितना होता है 180 होता है वो जानते हैं, अब देखिए 40 और 80 जोड़ो 120 ना, 120 में से भैया 80 घटा दीजिए तो 60 डिग्री आ जाएगा, तो कोण बी का मान कितना आ जाएगा 60 डिग्री, राइट आंसर ए, देखिए यहाँ ए वाला में आप समझ जाएगा ए वाला, ठीक है, 60 डिग्री हो गया, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा भाई ए नंबर, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, करें एक त्रिभुज एक्स वाई जेड में सी सी इस त्रिभुज का परिकेंद्र है, तो कहाँ परिकेंद्र होगा भाई बीच में होगा, कोण वाई जो है 50 डिग्री है, कोण जेड 70 डिग्री है, तो कोण वाई सी जेड का मान क्या दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, आप पहले आप ट्रेंगल बना लीजिए ऐसे, ठीक है, अब देखिए इसका परिवृत्त यहीं केंद्र बना दीजिए, ऐसे बनेगा, ठीक है, ये सी हो जाएगा, सी से हो गया, और यक्स यक्स हो गया, वाई हो गया, जेड ये ट्रेंगल हो गया। अब देखिए जैसे कह रहे हैं पूछा है, वाई देखिए कितना दिया है भाई, वाई दिया है 50 डिग्री, ये जो है आपका 50 डिग्री है, ठीक है, 50 डिग्री, ये कितना दिया है भाई, जेड भी दिया है आपको 70, ठीक है, तो इनको जोड़िए इस वाई सी जेड में कितना हो जाएगा भाई, ये सी वाला कितना निकल के आएगा, देखिए कितना निकल गया, कुल 180 अंश होता है, 180 अंश, और 70 और 50 जोड़िए कितना हो जाएगा, ये आपका 120 हो जाएगा, 120 घटा दीजिए तो कितना आ जाएगा भाई 120 में, तो 60 डिग्री आ जाएगा, मतलब ये आपका 60 निकल, तो इसके जो है ऊपर वाला ये जो है आपका निकल के आएगा कितना, इसका डबल हो जाएगा, तो 60 × 2 हो जाएगा, ठीक है, 60 × 2 हो जाएगा, तो इस प्रकार आपका निकल के आएगा, ठीक है, तो देखिए सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, 60 × 120 ऑप्शन सी आपका यहां सही हो जाएगा, ठीक है, डबल कर दीजिएगा उसका। आइए देखते, देखिए ये भी अच्छा प्रश्न है, ये आपका व्यंजक के सरल कीजिए, करिए सरल कीजिए, तो हम क्या लेंगे इसमें, आप एलसीएम ले लीजिए भाई, एलसीएम ले लीजिए इसका, तो एलसीएम क्या लेंगे, कॉस ए 1 − sin A, साइन ए एलसीएम हो गया, ठीक है, अब देखिए इसको जब कॉस का इसमें भाग देंगे तो बचेगा 1 − sin² तो 1 − sin 1 − sin का होल स्क्वायर हो जाएगा, 1 − sin A का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा ऊपर, ठीक है भाई, प्लस लगा दीजिए, अब देखिए ये साइन 1 − sin 1 − sin कट जाएगा, तो सिर्फ कास बचेगा, तो कास का स्क्वायर हो जाएगा, कास स्क्वायर ए हो जाएगा, ये हो जाएगा, अब देखिए 1 − sin² का फार्मूला लगा दीजिए, तो क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पे आपका 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, प्लस sin² a माइनस 2 sin a, ए प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर वाला फार्मूला अप्लाई हो जाएगा बस, प्लस cos² a, नीचे आपका वही रहेगा भाई जो है cos a और 1 − sin a, नीचे वही रहेगा,
ठीक है। अब देखिए आपको आइडेंटिटी अप्लाई करा दीजिए, कौन सा, तो आप जानते हैं कि साइन स्क्वायर ए प्लस कास स्क्वायर ए बराबर वन, आपने पढ़ा होगा भाई, ये आपने पढ़ा है, यही आपको अप्लाई कर देना है, ठीक है। तो जहाँ साइन स्क्वायर है वहाँ हम क्या रख देंगे, वहाँ क्या भाई रख देंगे, वन माइनस कास स्क्वायर रख देंगे। देखिए ये साइन स्क्वायर है, इसके दर पे क्या रख सकते हैं, वन माइनस कास स्क्वायर ए। तो देखिए यहाँ पे आपको कहाँ लिखे भाई, चलिए तो यहाँ पे अगर हम लिख देंगे तो चलिए अगले पेज में इसे आप नोट कर लीजिएगा, अगले पेज में हम आपको दिखा रहे हैं, ठीक है अगले पेज पर। तो ये ध्यान रखिएगा क्या बना है, फिर से देखिए यहाँ पे, तो ये आपका बना था वन प्लस, देखिए साइन स्क्वायर आया था, साइन स्क्वायर ए को हम लिख सकते हैं वन माइनस क्या भाई, वन माइनस कास स्क्वायर ए, कास स्क्वायर ए लिख सकते हैं, और ये आपका आगे माइनस टू साइन है, पीछे वाला लिखा था जो साइन साइन है, ठीक है, और प्लस का कास स्क्वायर ए था ही, और नीचे आपका वही था भाई कास ए और वन माइनस साइन ए था, कोई दिक्कत नहीं इसमें, साइन ए। देखिए अब देखिए ये कास स्क्वायर और माइनस कास स्क्वायर प्लस का कास स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो अब क्या बचा, देखिए बचा यहाँ पे टू, ये वन वन टू हो जाएगा, माइनस टू साइन ए बच जाएगा, नीचे आपका वही कॉस ए वन माइनस साइन ए। तो थोड़ा सा इसको सॉल्व करना पड़ेगा। अब देखिए ऊपर कॉमन क्या दिख रहा है, दो कॉमन दिख रहा है, ऊपर लिख रहे हैं दो कॉमन लिख गया भाई, तो बचा क्या, वन माइनस साइन ए, और नीचे आपका क्या बचा है कॉस ए और वन माइनस साइन ए बचा है, ठीक है वन माइनस साइन ए। देखिए यहाँ पे आपका कट गया, माइनस साइन ए वन माइनस साइन ए अपान नीचे वन माइनस साइन ए, तो बच गया, तो बचा ऊपर क्या, टू बाई क्या बचा भाई, टू बाई कॉस ए बचा। देखिए कॉस ए को क्या लिख सकते हैं, देखिए कॉस बराबर वन अपान सेक, सेक इक्वल टू वन अपान क्या होता है कॉस होता है, तो ये ऊपर चला जाएगा कॉस, तो ऊपर हो जाएगा टू सेक हो जाएगा, टू सेक ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन सेकंड यहाँ पे बी नंबर सही हो जाएगा। आंसर क्या फाइनली आया भाई, टू सेक ए हो जाएगा, टू सेक ए हो जाएगा। तो फाइनली आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, सॉरी यहाँ है सेक वाला, ठीक वहाँ दिख नहीं रहा था तो मिटल मुना, तो ये हो जाएगा टू सेक ए, ठीक है ये आपका फाइनली आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं भाई, नेक्स्ट कह रहे हैं कि एक बगीचे की उस त्रिकोणी फूलों की क्यारी का क्षेत्रफल क्या है जिसका परिमाप 20 मीटर है और दो भुजाएं 5 मीटर और 6 मीटर है। त्रिकोणी फूलों की क्या क्षेत्रफल आपको बताना है, तो ये आपको करना है, ठीक है भाई। तो देखिए भाई यहाँ पे परिमाप दे रखा है, देखिए ये कोई त्रिभुज है, ठीक है, और इसमें देखिए 5 मीटर दिया है एक भुजा और 6 मीटर दिया, मतलब एक हमको नहीं पता तो एक यक्ष मान लीजिए, और परिमाप बराबर होता है त्रिभुज सम, सभी त्रिभुजों की भुजाओं का सम बराबर परिमाप होता है, तो परिमाप बराबर हो जाएगा, देखिए परिमाप कितना दिया यहीं लिख दीजिए 20 दिया है इक्वल टू, और इनका 5 प्लस 6 प्लस यक्ष माने कौन, एक भुजा हम लोग नहीं पता है ना भाई, तो ये हो जाएगा 6 5 11 प्लस यक्ष 20 हो जाएगा, 11 इधर लाइए प्लस का यक्ष, देखिए 20, तो 11 को इधर लाएंगे तो देखिए 20 में से 11 घटा देंगे तो कितना बच जाएगा भाई, यहाँ पे 9 बच जाएगा, तो यक्ष तीसरी भुजा क्या आ गई 9। तो आप देखिए अब इसका यस निकाल लीजिए, देखिए यस निकालेंगे क्योंकि देखिए राइट एंगल होता तो कोई दिक्कत नहीं होती, तो राइट एंगल तो समकोण त्रिभुज तो है नहीं, इसमें हम डायरेक्ट 1/2 आधार इंटू ऊंचाई नहीं लगा सकते ना भाई, तो यहाँ पे आपको कौन फार्मूला यूज करना पड़ेगा, श्री हीरो सूत्र वाला, ठीक है। चलिए इनका पहले यस निकालेंगे, यस निकाल लें, जानते हैं इन भुजाओं का सम बटे दो होता है 6 + 9, ठीक बटे दो, इनका जोड़िए कितना आ जाएगा भाई, ये आपका 6 × 5 = 11 मतलब 20 बटा दो, तो यस निकल के कितना आया, यस निकल के आएगा 10, ठीक है यस आपका निकल गया। अब इसको अगले पेज पे चलते हैं, ठीक है भाई। अब हम कौन लगाएंगे, हीरो का फार्मूला बुला ले, हीरो साहब के बुलाते हैं, ठीक है। अब आपका हीरो फार्मूला जानते हैं क्या होता है, ब्रेक अंडर रूट में यस माइनस ए, यस माइनस बी और यस माइनस सी, ये आपका हीरो फार्मूला है, रख इसी पे रखिएगा, ठीक है। तो ये आपका रख दीजिए भाई, तो यस का मान 10 निकाले हैं, और देखिए आप जो है यहाँ पे रख दीजिए मान, तो 10 माइनस का 9 कर दीजिए, 10 माइनस का 6 कर दीजिए और 10 माइनस का 5 कर दीजिए, तो ये सबट्रैक्ट करके कितना आ जाएगा भाई, देखिए 10 गुणे एक का मान कितना आ जाएगा भाई, 10 में से 9 गए एक गुणे 10 में से 6 गए 4 और 10 में से 5 गए 5, ये गुणा कर दीजिए, 5 × 20 20 × 20 कितना आ जाएगा भाई, कितना आ जाएगा ये रूट में 20 200 आ जाएगा, ठीक भाई 200 आ गया। अब 200 को रूट में आप क्या लिख सकते हैं, देखिए रूट में जो आप काटिएगा तो इसका 10 रूट का 2 आंसर आ जाएगा, ठीक है। देखिए भाई जिसका पेयर बनता है वो बाहर आ जाता है और जिसका नहीं बनता है वो क्या होता है, अंदर ही रहता है, तो इसका आंसर हो जाएगा
200 का रूट अंडर रूट निकाल लीजिएगा तो ये 10√2 आ जाएगा, ठीक है। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा भाई, 10√2, डी नंबर आपका यहाँ आंसर हो जाएगा, ठीक है, डी नंबर आपका यहाँ आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आपको भुजा निकालना है, फिर हीरोज फार्मूला यूज करना है, तो थोड़ा से तेज करिएगा क्वेश्चन, ठीक है। प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का औसत कितना है, तो प्रथम 10 अभाज्य, तो आप जानते हैं प्रथम अभाज्य संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है, 2 से, ठीक है। 2, 3 प्लस का 5, 7, फिर कौन आएगी 11 प्लस 13 प्लस 17 आएगा, फिर यहाँ से फिर नीचे लिख दे रहे हैं, प्लस 17 के बाद क्या आएगा भाई 19 प्लस 23 प्लस 29 और डिवाइड बाई टेन, इनको जोड़ेंगे तो 129 आ जाएगा बटे 10, तो आप 129 में 10 का भाग लगाएंगे तो 12.9 आ जाएगा, ठीक है, 12.9 राइट आंसर ए आपका हो जाएगा। तो अभाज्य संख्याएं आप तो जानते हैं ना, जो 2 से ना विभाज्य हो, स्वयं मतलब जो किसी भी संख्या से ना विभाज्य हो, स्वयं से या 1 से विभाज्य हो, यह अभाज्य संख्या है, ठीक है भाई। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ सही हो जाएगा। औसत सबका सम बटे जितनी संख्या है वो डिवाइड कर दीजिए, 10 है। 3 संख्याओं का औसत 30 है, पहली संख्या दूसरी संख्या की 2/3 गुनी और दूसरी संख्या तीसरी संख्या की 3/4 है, पहली संख्या ज्ञात कीजिए। तो ये देखिए भाई राइट आंसर आपको देखिए कौन सा हो जाएगा। चलिए भाई इसको सॉल्व करते हैं, कह रहे कि 3 संख्याओं का औसत, तो 3 संख्याओं का कुल योग कितना हो जाएगा, कुल योग क्या हो जाएगा 3×30=90 हो जाएगा, ठीक है, ये तो आ गया। आप जैसे कह रहे हैं कि मान लीजिए तीसरी संख्या क्या है, यक्ष है, ठीक है, यक्ष है तीसरी संख्या, ठीक है। अब जैसे कह रहे हैं तब दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, दूसरी संख्या पहली संख्या दूसरी संख्या की 2/3, तो दूसरी संख्या भाई दूसरी संख्या की क्या हो जाएगी 3×4 हो जाएगी, ठीक है, और पहली संख्या क्या हो जाएगी आपकी, यहाँ देखिए तीसरी संख्या दूसरी संख्या जो है तीसरी संख्या की 3/4, तो ये दूसरी संख्या हो गई 3×4 और पहली संख्या क्या हो जाएगी आपकी 3×4×2/3 है, तो ये हो जाएगा कितना निकल के आएगा भाई, तो ये कट जाएगा आपका 3×3 2×4, ठीक है, तो ये निकल के आएगा x/2, ठीक है, ये 2×4, तो x/2 आपका पहली संख्या आ गई। अब इन्हीं का योग बराबर दिखा दीजिए भाई, तो x+3×4+x/2=90 है, ठीक है, सॉल्व करिए इसको। सॉल्व करने के बाद आ जाएगा देखिए एलसीएम आपका 4 हो जाएगा, तो ये 4x हो जाएगा प्लस 3x हो जाएगा प्लस 2x हो जाएगा बराबर 90, ठीक है, 90। अब इसमें देखिए 4×3 7x 7×2 9x/4 हो जाएगा, तो ये 9x/4, ठीक है, 9x/4 और बिठन 90 हो जाएगा, तो ये कट जाएगा, तो x बराबर कितना आ जाएगा 40, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे 40, ठीक है, x का मान कितना आया 40, तो पहली संख्या क्या है x/2 निकल के आई थी, पहली संख्या क्या आपकी आई थी x/2, तो कितना आ जाएगा 40, x का मान 40 है, 2 रख दोगे तो 20 आंसर आ जाएगा, ठीक है, तो 20 आंसर आ जाएगा, राइट आंसर डी नंबर आपका यहाँ हो जाएगा, ठीक है, डी नंबर आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है, डी आपका जाएगा। देखिए ये प्रश्न आपका बहुत ही आसान होता है, ये आपका प्रश्न जो है कौन सा फार्मूला यहाँ पर अप्लाई करेंगे, देखिए प्लस है तो मतलब a³ + b³ वाला फार्मूला अप्लाई कर दीजिएगा, ठीक है, तो ये आपका नीचे वाला जो है ये मिल जाएगा, कट जाएगा, तो आपका a+b जो है जोड़ देना, मतलब इसका अगर देखा जाए डायरेक्ट करना है तो आपको कुछ नहीं करना है भाई, 0.96+0.04 ऐड कर दीजिए, तो इसका देखिए ऐड करेंगे तो 1 आंसर आएगा, ठीक है, इसका कितना आ जाएगा यहाँ पे 1 जो है आंसर आ जाएगा, सी नंबर सही हो जाएगा, यही वाला अप्लाई करिएगा, ठीक है, a³ + b³ वाला फार्मूला, तो a³ + b³ वाला फार्मूला आप जानते हैं, एक ब्रैकेट में a+b आ जाता है, ठीक है, और अगले ब्रैकेट में a² - ab + b² हो जाएगा, तो नीचे वाला इसीलिए ये कट जाता है, ऊपर वाला जब ये दो बार लिखोगे तो इसलिए आपको बचेगा सिर्फ a+b बचेगा, तो a+ मतलब ए आपका मान लीजिए ये है, बी आपका ए मान लीजिए 0.49 है और बी जो है 0.4 है, ऐड करोगे तो इसका 1 आएगा, तो 1 आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा भाई। अगला देखते हैं भाई, कह रहे हैं कि ये 6.9 ये आपका देखिए सरलीकरण का सवाल है, तो इसमें पहले सबसे पहले बार लाइन जो है कोष्टक करते हैं, रेखा कोष्टक जिसको बोलते हैं, तो रेखा कोष्टक लाइन ब्रेकर जिसको बोलते हैं उसको पहले सॉल्व करना है, तो सॉल्व करते से चले जाइए कोई दिक्कत नहीं। देखिए 4.3 - 2 करेंगे तो कितना बचेगा भाई, यहाँ पे 2.3 बच जाएगा, 2.3 भाई 4.3 में आप सब्ट्रैक्ट कर देंगे 2, तो 2.3 बच जाएगा, 2.3, तो ये देखिए अब जो 2 देखिए माइनस में ये बचा, माइनस क्योंकि ये माइनस आगे लगा, अब 5.4 में 5.4
फोर में आपका 2.3 सब्ट्रैक्ट करिए तो कितना बच जाएगा, ये आपका कितना बचेगा 3.1 बचेगा, 3.1 बचेगा। अब देखिए ब्रेकेट लगा, ब्रेकेट रह गए तो ये माइनस आ जाएगा, तब 6.5 में 3.1 घटा दीजिए भाई तो कितना आ जाएगा 3.4 बच जाएगा, 3.4। फिर आगे ब्रेकेट लगाए माइनस लग जाएगा, इसे घटाते चले जाइए ठीक है 3.4। अब 8.6 में 3.4 घटाइए कितना आएगा, तो ये घट के आएगा 5.2 आ जाएगा, आगे ब्रेकेट में माइनस है तो माइनस लगा दीजिए और 6.9 से घटा दीजिए ठीक है, ये 5 है ठीक है 5.2, तो कितना आ जाएगा घटाने भाई 1.7 आ जाएगा। ऐसे घटाते आपको इसी तरह चले जाना आपको मिल जाएगा ठीक है, पूरा हम आपको नहीं कर रहे बस आपको डायरेक्ट वहाँ पे बता रहे हैं, तो यहाँ पर राइट आंसर ठीक हो जाएगा ठीक है। इसी तरह करिए, अब इस तरह करते फिर इसको बार बार लिखते हैं तो टाइम आपका जाएगा, बस माइनस को ध्यान रखना है बस। देखिए यहाँ पे कह रहे हैं कि एक संख्या दी मैंने भाई, कह रहे हैं कि 8/7 और 5/6 दोनों के व्युत्क्रमानुपाती के योग का व्युत्क्रमानुपाती क्या होगा, मतलब दोनों का योग का व्युत्क्रमानुपाती, पहले इनका व्युत्क्रमानुपाती फिर इनके योग का व्युत्क्रमानुपाती क्या होता है भाई, इसका उलट देना है ठीक है, मतलब कि 7/8 हो जाए, 8/7 को 7/8 लिख देंगे, 5/6 को 6/5 लिख देंगे, बस यही करना है, इनको जोड़ के फिर इनका जो आंसर आएगा उसका व्युत्क्रमानुपाती कर देना है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए देखिए तो 8/7 का व्युत्क्रमानुपाती क्या हो जाएगा 7/8 हो जाएगा ठीक है 7/8। अब देखिए प्लस, अब देखिए 5/6 का व्युत्क्रमानुपाती 6/5 हो जाएगा 6/5। अब इनका क्या लीजिए सॉल्व कर लीजिए, इनको पहले जोड़ना है ठीक है, इनका योग करके व्युत्क्रमानुपाती करना है, तो देखिए 40 जो है आपका एलसीएम हो गया, तो 8 पंचालीस 7 5 35 आ जाएगा, प्लस 5 8 40 8 6 48 आ जाएगा ठीक है, इनको जोड़ लीजिए तो देखिए 35 और 48 जोड़िए तो कितना आ जाएगा 83 ठीक है भाई, 83 आ गया ठीक है, और बटे 40 ठीक है बटे 40 कह रहे हैं कि अभी जो समय इसका व्युत्क्रमानुपाती बताना है, तो 83/40 का व्युत्क्रमानुपाती फिर उलट दीजिए 40/83 कर दीजिए, 40/83 ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही हो जाएगा ठीक है, तो ये हो जाएगा 40/83, मतलब इन इन अंकों को व्युत्क्रम करना है, फिर इनको सम करना है, सम करने पर जो आए फिर व्युत्क्रम कर देना है ठीक है, उलट देना है, मतलब कि अंश को हर कर देना ठीक है, अंश को हर कर देना, हर को अंश में बदल देना। अगला देखिए बहुपद इतना का महत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए, ठीक है भाई इसका आपको महत्तम समापवर्तक ज्ञात करना है ठीक है, चलिए करते हैं महत्तम समापवर्तक। देखिए भाई तो कह रहे हैं कि अभी देखिए 8x³ - 8 का x³ - 6x² + 12x - 8 का और x³ - 4x² + 4x का महत्तम समापवर्तक बताइए, चलिए भाई करते हैं। तो पहले x³ - 8 को तोड़ लेते हैं, इसका फार्मूला अब लगाना है a³ - b³ का फार्मूला याद होना चाहिए पहला नंबर भाई इसको, तो आप जानते हैं a³ - b³ का आपका फार्मूला क्या होता है, चलिए लिख देते हैं फिर a³ - b³ का फार्मूला आप जानते हैं, एक ब्रैकेट में होता है a + a - b आएगा, पहले देखिए माइनस रहता तो माइनस आता, ये हो जाएगा अगले ब्रैकेट में a² + ab + b² ठीक है, ये फार्मूला होता है, तो यही अप्लाई करेंगे ठीक है, इसको हटा देते हैं ठीक है, ये तो यही अप्लाई कर दीजिए, तो एक में यक यहाँ एक मिनट यहाँ इसको पहले लिख लीजिए उस फॉर्म में, तो लिख लीजिए देखिए 8 है भाई, 8 को 2/3 लिख सकते हैं नहीं लिख सकते, मतलब 2^3 लिख सकते हैं, 8 को 2^3 लिख सकते हैं भाई, लिख सकते हैं ठीक है, तो यही लिख दिए, तो इसको अब फार्मूला तो आपका बन लग जाएगा, तो एक ब्रेकेट में यक्स माइनस 2 लिखेंगे ठीक है ए ठीक है, और अगले ब्रेकेट में x² + 4 + 2x हो जाएगा ठीक है, क्योंकि 2^2 = 4 और 2x ठीक है, ये हो गया। अब अगला निकालना है आपको x³ - 4x² + 4x का ठीक है, तो इसका देखिए इसमें x कामन ले लीजिए, x कामन लेंगे तो x² - 4x + 4 बचेगा ठीक है, ये आपने इसमें x कामन दिख रहा है ठीक है, x³ - 4x² + 4x में आपका कामन है ठीक है, ये x है 4x, चलिए तो ये कॉमन। अब इसमें देखिए इसको क्या निकालना है, फैक्टराइजेशन करिए, फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा, इसे थोड़ी आ जाएगा, तो देखिए यक्स, अब देखिए इसको फैक्टराइजेशन करने के लिए देखिए जो कांस्टेंट टर्म है वो यक्स स्क्वायर का मल्टीपल होता है ठीक है, तो 1 है 4 का 4 ही आएगा। अब देखिए इसको 4 को ऐसे ब्रेक करना है कि इनका आपस में गुणा करने पर 4 आए और इनको जोड़ने या घटाने पर यहां जो यक्स का गुणांक है 4 है वो 4 आना चाहिए, तो भाई 2 × 2 = 4 है, 2 × 2 जोड़ेंगे 4 हो जाएगा, तो इसको ऐसे तोड़ लेंगे ठीक है, तो यक्स स्क्वायर माइनस का 2 + 2 + 4 ये तोड़ लेंगे ठीक है, तो यक्स आपका बाहर ही रहेगा जो कॉमन लिए हैं, तो ये देखिए आपका हो जाएगा x² - 2x + - 2x + 4 ठीक है, ये आपका इक्वेशन बन गया, तो हमें लग रहा है कि देखिए इसको ध्यान रखिएगा कॉमन महत्तम समर्थन कॉमन हो जाए, देखिए x - 2 ये ध्यान रखिएगा ये आया है, तो अगले पेज पे ही हो पाएगा भाई, इस पे नहीं हो पा रहा है ठीक है, चलिए तो इसमें आगे यहाँ से हम आगे चलेंगे, इतना आया हमारा तो आया था हमारा यक्स कामन था एक्स
स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 2x और प्लस का 4x था, ठीक है। देखिए यक्स तो बाहर रहेगा, कामन आपका इसमें कामन ले लीजिए, ठीक है। तो यक्स कामन दिख रहा है, तो यक्स माइनस का 2 हो जाएगा। यहाँ पे आपका माइनस है तो माइनस का कामन क्या ले लेंगे भाई, माइनस का कामन आप यहाँ यक्स ले लीजिए, ठीक है। तो आ जाएगा यहाँ तो 4 है, ठीक है, ये आपका 4 है, ठीक है, 4 है, सॉरी यहाँ पे 4 रहेगा। तो इसमें देखिए कामन आपका क्या दिख रहा है, 2 कामन दिख रहा है, ठीक है। तो यक्स हो जाएगा प्लस का 2, माइनस आगे लिए कामन तो यहाँ माइनस हो जाएगा, माइनस का 2, ठीक है। तो ये ब्रैकेट एक दोनों साइम सेम हो जाए, सेम है, तो आपका ये आ गया, इसका आप फैक्टराइजेशन किए तो एक ब्रैकेट में यक्स माइनस 2, अगले में यक्स माइनस 2, ठीक है। ये आपका किसका फैक्टराइजेशन इसका आया। अब इसका देखिए, इसका भी फैक्टराइजेशन करना, बिना भाई फैक्टराइजेशन का आप नहीं निकाल सकते। तो देखिए कामन जो है मिला है पहले, इसमें भी यक्स क्यूब माइनस 8 में आपका यक्स माइनस 2 मिला, इसमें भी मिला, तो मतलब इसमें भी आपका यक्स माइनस 2 ही मिलेगा कामन, ठीक है। इसमें ध्यान रखिए, तो इसमें देखिए इसका यक्स इक्वल टू 2 मान लेंगे, ठीक है, यक्स इक्वल टू 2 आपको मानना है। तो इधर आ जाएगा भाई यक्स माइनस 2 इक्वल टू 0। तो ये जो है इसको क्या करेगा, इसको डिवाइड करेंगे तो सेटिस्फाई करेगा, सेटिस्फाई करेगा, तो यहाँ भी आपका जब इसको करेंगे तो यक्स माइनस 2 आएगा। अब तीनों में यक्स माइनस टू कॉमन है, तो आपका आंसर नंबर बी नंबर यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। अगला है, 5 घंटियाँ एक साथ बजने लगती है और क्रमशः 5, 10, 15, 20 और 25 सेकेंड के अंतराल पर बजती हैं, एक घंटे 20 मिनट में वे कितनी बार एक साथ बजती हैं, ये आपको बताना है। तो ये आपको देखिए बहुत ही अच्छा प्रश्न है और आसान भी है, ठीक है। देखिए कैसे, इनका एलसीएम ले लीजिए, 5, 10, 15, 20 और 25 का एलसीएम, ठीक है, 5, 10, 15, 20 और 25 का एलसीएम कितना आ जाएगा, ये देखिए 5 से काटिए, 5 का 5, 5 × 10, 5 × 15, 5 × 20, 5 × 25, 25, फिर 5 से काट दीजिएगा, फिर देखिए 4 से काटिएगा क्योंकि 4 बड़ा है, 2 ऑलरेडी कट जाएगा, और फिर 3 से इनका गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 5 × 25, 5 × 25, 25 × 400, 300 एलसीएम आ गया भाई, 300 एलसीएम, मतलब 300 किसमें है, सेकंड में, 300 सेकंड, ध्यान देना 300 सेकंड आ गया एलसीएम, ठीक है। अब देखिए इसको निकालने के लिए अब कह रहा है कि 1 घंटे 20 मिनट में वे कितनी बार एक साथ बजती हैं, कोई दिक्कत नहीं, अब इसको हटाते हैं, एलसीएम आपको ध्यान रखना है, बस एलसीएम आपका 300 आ गया है, ठीक है भाई। अब यहाँ पे आपको इससे डिवाइड करना, तो देखिए एक घंटे इनको, एक घंटे और 20 मिनट को इनको सेकंड में चेंज करिए, तो एक घंटे में कितने सेकंड होते हैं, 3600 सेकंड होते हैं, प्लस करिए, और 20 मिनट को आपको सेकंड में बदलना, मिनट को सेकंड में 60 से गुणा, 60 × 6 × 12, 1200 सेकंड हो जाएगा भाई, 20 ये 20 को 60 से गुणा कर देंगे, 20 मिनट को तो सेकंड में बदल जाएगा, तो ये 1200 सेकंड आ जाएगा, इनको जोड़ लीजिए, ठीक है, इनको आप जोड़ लीजिए, तो ये आपका हो जाएगा 1200 सेकंड, तो जोड़ेंगे आपको तो कितना आ जाएगा भाई इनका, तो ये हो जाएगा 4800, देखिए 3600 और 1200 जोड़ेंगे 4800, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, 4800 रख देना है, ठीक है, 4800, ठीक है, 4800 सेकेंड बटे जो एलसीएम आया उसको भागा, और देखिए प्लस वन एक बार बच चुकी है, तो यही सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये सेकंड में आपको दिया था, तो सेकंड में इस पूरे टाइम को बदलना पड़ेगा सेकंड में, ठीक है, और सेकंड में पूरे टाइम को आप डिवाइड कर देना जो एलसीएम लिया और एक जोड़ देना, देखिए 3 से 3 0 ये खत्म, 3 × 3, 3 × 18, तो 1 + 16 = 17, ठीक, 17 आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ सही हो जाएगा। तो ये घंटे और मिनट को आप सेकंड में बदल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगला देखते हैं, 2 संख्याएं, तीसरी संख्या क्रमशः 20%, 80% अधिक है, पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना, देखिए जिसका का लगा रहता है उसको नीचे लिखते हैं, ठीक है, जिसके साथ, तो दूसरी संख्या को नीचे रखा, तो पहले इसका देखिए हम लेट कर लें, तो मान लीजिए थर्ड संख्या क्या है भाई, इसमें आपका 100 है, ठीक है, तो ये थर्ड संख्या हो गई, सेकेंड हो गई, फर्स्ट हो गई, मान लीजिए तीसरी संख्या 100 है, तो दूसरी संख्या 80 हो जाएगी भाई, क्योंकि 80 अधिक है, पहली संख्या 20 अधिक है, 120 हो जाएगी, कुछ नहीं आपको यहीं कंपेयर कर लीजिए, तो 120 जिसके नीचे, जिसके साथ का लगा है, का दूसरी संख्या के साथ लगा, 180 हो जाएगा नीचे गुणे 100, ठीक है, काट पीट कर लीजिए, 2 से 0 कट गया, ठीक है, 2 × 9 = 18, 2 × 5 = 10, ठीक है भाई, और ये आपका हो जाएगा कौन सा, 120 है ना, 120 को डिवाइड करिए आपको 9, 3 × 12, ठीक है, पॉइंट में आपका आंसर देखिए कौन सा इसमें आ रहा है ऑप्शन, मतलब सी ही आपका आएगा पॉइंट में, कोई दिक्कत नहीं, कर लीजिए 3 × 9, 3 × 12, 40, 40 × 5, तो ये 200 हो जाएगा भाई, देखिए ऊपर 5 भी बचा है, बटे 3, तो देखिए 6 × 3 = 18, फिर 2 × 6 × 3 = 18, 10.66 कटता चला जाएगा, सी नंबर आ जाएगा, ठीक है, सी नंबर आ जाएगा, ठीक है। अगला है, एक परीक्षा में गणित में 66% और अंग्रेजी में 70% अभ्यर्थी उत्तीर्ण हुए, यदि 20% अभ्यर्थी दोनों विषय में अनुत्तीर्ण हुए और 300
50 विद्यार्थी दोनों विषय में उत्तीर्ण हुए तो कितने अभ्यर्थी परीक्षा में बैठे थे। देखिए भाई अच्छा प्रश्न है ये परीक्षा में आपसे प्रश्न पूछा जाता है। तो ये डायग्राम ऐसे बन जाएगा इसका, ठीक है। तो आपको ई से इंग्लिश कर लीजिए, हाँ देखिए गणित है और अंग्रेजी है, ई से इंग्लिश या हमसे मैथ कर लीजिए, डिनोट कर लीजिए, ठीक है। चलिए भाई देखते हैं। तो देखिए एक परीक्षा में गणित में तो इंग्लिश में 70% अभ्यर्थी उत्तीर्ण हो रहे हैं, ठीक है, और मैथ में 66% उत्तीर्ण है। तो इनको अनुत्तीर्ण कितने हो रहे हैं ये भी निकाल लीजिए भाई, अनुत्तीर्ण कितने हो रहे हैं। तो इंग्लिश में अनुत्तीर्ण होंगे तो इक्वल टू 100 माइनस का 70, तो 30% जो है अनुत्तीर्ण हो रहे हैं किसमें भाई, इंग्लिश में। ऐसे मैथ में निकाल लीजिए तो 100 माइनस का 66 तो निकल के कितना आएगा भाई आपका 34% किसमें अनुत्तीर्ण हो रहे हैं मैथ में। तो यहाँ भर दीजिए तो ये देखिए 30% हो गए और ये आपका 34% मैथ में अनुत्तीर्ण हो रहे हैं। अब यहाँ पे आपके दिया है कि यदि 20% विद्यार्थी दोनों विषय में अनुत्तीर्ण, तो ये देखिए 20% दोनों में कॉमन हो गया 20%। अब देखिए केवल अगर पूछा जाए इंग्लिश में कितने अनुत्तीर्ण हो रहे हैं, तो देखिए 30 है 20 ये कॉमन हो जाएगा तो 10% केवल हो जाएगा, और 34 और 20 में करें तो 14% केवल मैथ में अनुत्तीर्ण हो जाएंगे, ठीक है अनुत्तीर्ण हो जाएंगे। अब क्या करना है, कोई दिक्कत नहीं आपको, ये सॉल्व कर लीजिए भाई। तो ये 10 20 14 जोड़ेंगे तो ये अनुत्तीर्ण की संख्या हो जाएगी। तो देखिए 10 जोड़िए 10 20 30 कितना हो गया भाई 44% क्या है अनुत्तीर्णों की संख्या। तो सफल विद्यार्थियों की संख्या कितनी हो जाएगी, 100 माइनस 44 कर दीजिए, सफल विद्यार्थियों की संख्या कितनी निकल के आएगी 56, ठीक है ये आपका 56 आ गई, ठीक है 56%। अब यही 56% दिया है 56 और 350 विद्यार्थी दोनों विषयों में उत्तीर्ण हुए, और देखिए 56% जो है ये निकल के आएगा 350 के इक्वल के बराबर हो जाएगा। तो आगे देखते हैं भाई, ये 56% जो निकल के आया है वो आपका किसके बराबर हो जाएगा 350 के। तो 1% बराबर क्या हो जाएगा 350/56, तो 100% गुणा कर दो दोनों कहती 100% का गुणा कर दो दोनों कहती 100% का निकाल लीजिए। तो काट पीट करिए भाई इसका, ठीक है काट पीट इसको करना है। तो ये कैसे कटेगा देखिए, ये 4 से काटिए, देखिए 25 चौको 100 और 4 का नम 4 एक 4 चौको 16 आ जाएगा। अब देखिए अब काटिए 335, 2 से एक बार और काट लीजिए 2 7 14 और देखिए 2 91 2 2 7 14 2 5 10। अब देखिए 7 × 14 7 × 35 7 × 14 7 × 35 25 25, तो आया गया भाई 25 × 25 बचा, तो 25 25 हम जानते हैं 625, तो ऑप्शन डी हो जाएगा 625। तो कितने विद्यार्थी परीक्षा में बैठे थे 625। अगला है, एक दुकानदार कमीजों की खरीद पर एक स्कीम प्रस्तुत करता है, एक ही प्रकार की दो खरीदों पर एक मुफ्त पाओ। मतलब अगर एक खरीद रहे हो, अगर एक ही प्रकार की दो खरीदो, अगर दो खरीद रहे हो तो एक दे रहे हैं मुफ्त में आपको मिल रही है। एक कमीज का क्रय मूल्य 300 रुपये है, यदि वह 30% लाभ अर्जित करना चाहता है तो एक कमीज का विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए भाई, ये आपको बताना है। चलिए भाई इसको करते हैं। तो देखिए एक कमीज का क्रय मूल्य आपको 300 रुपये दिया है, तो 3 कमीज का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा 3 × 300 हो जाएगा, 3 × 300 मतलब 900 रुपये, ठीक है 900 रुपये। इस प्रकार अब 30% लाभ पर जो है 3 कमीज का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, तो 900 × 30% का लाभ बटे 100 हो जाएगा, तो कितना निकल के आएगा इसका विक्रय मूल्य, तो 2 जीरो से 0 कट जाएगा भाई, तो 13 × 117 और एक जीरो बढ़ जाएगा 1170, मतलब वो कितने का बीचेगा भाई 1117 रुपये का, ठीक है। अब एक कमीज का मूल्य पूछा है, तो देखिए दो कमीज खरीद पर एक कमीज मुफ्त प्राप्त हो रहा है, तो एक कमीज का विशिष्ट विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा भाई 1117 बटे, तो 3 कमीज है तो एक मुफ्त मिल जाएगा, तो ये हो जाएगा 1117 बटे 2, इसका डिवाइड कर दीजिए तो कितना आ जाएगा 585 रुपये आ जाएगा, 1117 को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये निकल के आएगा 585, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा 585, ए नंबर आपका यहाँ सही हो जाएगा, ठीक है भाई। अगला है, 34 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 28 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है, लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए, कोई दिक्कत नहीं भी। तो ये 34 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 34 का SP बराबर 38 का CP, ठीक SP/CP कर लीजिए इक्वल टू 38/34, ठीक है 38/34, अंतर कितने का है देखिए 4 का, ठीक है 4 का बटे कितना 34 कर दीजिए, CP 34 है, ठीक है CP ये देखिए सामने CP है और SP जो है ऊपर का 38 है भाई, 34 खरीदे 38 में बेचे तो 4 रुपये का लाभ हुआ नहीं हुआ, ठीक है। तो ये आपको 100 से गुणा कर दीजिए तो ये कितना निकल के आएगा भाई, तो
दो से दो दूना चार, 17 आ जाएगा नीचे, 200 बटे 17, इसका आप निकालेंगे डिवाइड करेंगे तो 11 सही 13/17 आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ सही हो जाएगा, 11 सही 13/17 आंसर आ जाएगा। 200 को प्रतिशत में कह रहा है, 200 को और 17 से डिवाइड करेंगे तो, ठीक है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला है, एक वस्तु 20% और 20% के दो क्रमिक बट्टों पर बेचा जाता है, दूसरे बट्टे के बाद वस्तु का विक्रय मूल 3616 रुपये है, यदि इसे 20% के केवल एक बट्टे पर बेचा जाए तो वस्तु का विक्रय मूल होगा। ठीक है भाई, तो चलिए करते हैं, तो विक्रय मूल अंकित मूल, तो पहले पे अंकित मूल, देखिए विक्रय मूल आपका 2 का दिया है, 2 को जब छूट देकर बेच रहे हो तो कितने का विक्रय में बेच रहे हो, 3616 रुपये, तो इसका अंकित मूल निकाल सकते हैं आराम से, तो MRP इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3616 × 100 × 100, ठीक है, बटे आपका आ जाएगा 80 × 80, ठीक है, तो ये हमारा MRP निकाल लेंगे। ठीक है, तो काट पीट कर लीजिए भाई, 10101010, ये कट गया। ठीक है, तो अब इसको जब काट करेंगे कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे आपको काटना है 2, चलिए डायरेक्ट काट लीजिएगा, 1116 है ये, 3616, तो 8 से काट दीजिए, 8×8, देखिए 8 × 3 = 24, 8×4 = 32 आ गया भाई, 8×4 = 32 और 4 = 36, 8×5 = 40, 8×2 = 16, ये कट जाएगा, फिर 8 से कट जाएगा, 8×5 = 40 और कितना बचेगा भाई, 5, चलिए इसको 4 से पहले काट दीजिए, 4×2 = 8 और 25×4 = 100 आ जाएगा, 25 को काट दिए, और 2 से इसको 2×2 = 4, 2×2 = 4, 2×6 = 12, तो गुणा कर लीजिए, 226 और 25 का गुणा करेंगे तो ये 5650 आ जाएगा। ठीक है भाई, 5650 MRP निकल आई। अब कह रहा है कि 20% का एकल छूट के बाद विक्रय मूल पूछा है, तो 20% का निकाल लीजिए, 5650 × 20% मतलब 80% हो जाएगा, 80/100, ठीक है, काट पीट ये कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 0, 8×45 = 0, 8×48 = 4, 52 = 2 और 8×45 = 5, 45, ठीक है, 45, तो ये 45 10 कट जाएगा, तो ये 4520 रुपये आ जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा आपका, बी नंबर आपका सही हो जाएगा, 4520 रुपये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये क्योंकि इसको 20% बाद में जब एकल छूट के बाद आपसे पूछा है। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे जो है 20%, तो MRP पे 20% निकाल लीजिएगा, छूट देकर ना जाएगा। अगला है, यदि P/Q = R/S = T, इतना तो इसमें जो है देखिए PR = PRT बराबर, इसको दो दे, जहाँ P है, जहाँ R है, जहाँ T है, वहाँ आप 2 रखेंगे, और जहाँ Q = S = U = 5 रख दीजिएगा, तो यहीं पर रख दीजिए और सॉल्व कर लीजिए, इसको आंसर आपको मिल जाएगा। ठीक है भाई, देखिए यहाँ पे 4 डायरेक्ट करते हैं भाई, देखिए P की वैल्यू कितनी है, P की वैल्यू 2 है, तो 4×8 प्लस फिर R की वैल्यू भी 2 है तो 6 हो जाएगा, प्लस T की वैल्यू 2 है तो 7×14 हो जाएगा, बटे कर दीजिए इसके, देखिए रेशियो बटे कर देते, देखिए 4 Q की वैल्यू 5 है तो 4×5 तो 5×20 हो जाएगा, प्लस 5×3 = 15, या इसकी वैल्यू 5 है, U की 7×5 = 35, ठीक है, U की 5 है तो ये U के डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो इसको देखिए जोड़िए उड़िए तो कितना आ जाएगा, ये 28 ऊपर आ जाएगा, ठीक है, नीचे आपका कितना आ जाएगा, 70, काट लीजिए अभी, तो ये कितने से कट जाएगा, 7 से कटेगा, 7×7 = 10 आ जाएगा, 7×6 = 28, तो ये 2 से और कट जाएगा, 2×2 = 4, 2×5 = 10, मतलब 2:5 आंसर आ जाएगा, 2/5, 2:5, ऑप्शन बी यहाँ सही हो जाएगा। ठीक है, अगला है, एक पंसारी के क्रमशः 28 रुपये और 43 रुपये प्रति किलोग्राम मूल्य के चावल के दो किस्मों को किस अनुपात में मिलाना चाहिए ताकि 137.75 रुपये प्रति किलोग्राम मूल्य वाला चावल का मिश्रण प्राप्त हो। तो कोई दिक्कत नहीं भाई, इसका आपको क्या लगा दीजिए, एलिगेशन मेथड लगा दीजिए। ठीक है, ये आपको लगाना है। ठीक है, चलिए तो इसमें देखिए 128 और 143 और कितना है, 137.75, इसको इस तरफ और इसको इस तरफ घटा दीजिए, तो यहाँ पे देखिए इनको घटाने पे आपका आ जाएगा इधर 2, यहाँ पे 5.25 आ जाएगा, इधर जो है 128 में से 137.5 करेंगे तो कितना आ जाएगा भाई, 9.9 आपका आ जाएगा, कितना भाई, 7.5 आ जाएगा। ठीक है, इसको काट पीट करिए, देखिए 10 से ये हट जाएगा। ठीक है, तो आप इनको काट दीजिए, कितने से काटेंगे, 5 से पहले काट दीजिए, 5 से काटेंगे तो 5×5 = 5, 4×9 = 45, 5×5 = 25 हो जाएगा, 155 आ जाएगा बीच में, 9×5 = 45 यहाँ 9 हो जाएगा, 9 और 5 आ जाएगा 195, इसको 5×5 = 0, 5×5 = 25 आ जाएगा, फिर
कितना आ जाएगा भाई? फिर आपको क्या काटना है, 5 से और कटेगा, 5 कन्नम 5 तिहाई 15, 5 नवा 45, और 5 कन्नम 5 दूना 10, 5 कन्नम 5, फिर और कटेगा भाई कितने से? 7 तिरिक 21, 3 से काट लीजिए, 3 सत 21, 3 एकनम 3, 3 तिरिकनम, मतलब 7:13 आ जाएगा भाई, 7:13 सी आर आंसर। अनिल और विपिन एक साथ कार्य को करके 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं, जबकि विपिन अकेले 20 दिनों में पूरा कर सकता है, अनिल अकेले कितने दिनों में कार्य पूरा कर सकता है? तो देखिए, अनिल और विपिन, अनिल प्लस विपिन कार्य कर रहे हैं 15 दिन में, ठीक है भाई, 15 दिन में कर रहे हैं, और जबकि विपिन, विपिन को बी से डिनोट कर दीजिए, वो कर रहा है 20 दिन में, ठीक है। तो इनका एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम कितना आएगा निकल के भाई, 60 आएगा, तो 15 चौको 60, 20 तिहाई 60, मतलब ए बी की मिलकर कार्य क्षमता उनकी एक दिन की 4 कार्य करने की क्षमता है, और बी की एक दिन की कार्य करने का विपिन की मतलब कितना है, 3 है। तो देखिए, तो यहाँ पे आपका निकल के आएगा, इसका पूछा है भी, तो अनिल, अनिल अकेले कितना करेगा, तो विपिन का देखिए 3 है, तो अनिल का कितना हो जाएगा भाई, 4 ही है टोटल, तो इसका A1 हो जाएगा, तो 60/1 कर दीजिए, तो क्योंकि एक दिन में कार्य करने की अनिल की एक है क्षमता, तो 60 काम एक दिन के हिसाब से करेगा, तो 60 दिन में कर पाएगा, डी नंबर आपका ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा, ऑप्शन डी यहाँ सही हो जाएगा। तो अनिल अकेले कितने दिन में कार्य करेगा भाई, पूरा करेगा 60 दिन में, करे कि 40 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत चाल से कार चलाकर अपने गंतव्य पर 7 घंटे में पहुंच जाता हूं, उसी गंतव्य पर 5 घंटे में किस चाल से पहुंच सकता हूं, ये ज्ञात करना है। चलिए भाई देखते हैं, तो आपको निकालना है कार की चाल दिया है 40, ठीक है 40, और समय कितना देखिए कितना है 7 घंटे, तो पहले दूरी निकाल लीजिए, डी बराबर समय गुणे चाल, तो ये हो जाएगा गुणे 280 किमी जो है क्या हो गई इसकी दूरी निकल आई, ठीक। अब 200 किमी दूरी को 5 घंटे कह रहा है, अगर 5 घंटे में तय करना हो तो भाई कितना उसी गंतव्य पर 5 घंटे में किस चाल से, तो स्पीड बराबर हो जाएगा डिस्टेंस 280 है बटे 5 का स्पीड से जा रहा है, तो देखिए 5 6 25 25, 5 6 30 कितनी 56, तो 56 की स्पीड से चलाना पड़ेगा, तो राइट आंसर आपका सी नंबर हो जाए, 56 किमी प्रति घंटा, ठीक है। क्या कुछ नहीं करना था, 40 किलोमीटर दिया है, वो 40 किलोमीटर प्रति स्पीड दिया है 7 घंटे में, तो दिया है तो उसको दूरी निकाल लीजिए, फिर जो दूरी आएगी उसको 5 से 5 घंटे में अगर तय करना है तो स्पीड निकालने के लिए 5 से क्या कर देंगे, 280/5 कर देंगे, आंसर आ जाएगा। करें कि 90 मीटर लंबी ट्रेन 108 किमी प्रति घंटा की चाल से चल रही है, 90 मीटर लंबे प्लेटफार्म दूरी पूरी तरह से पार करने में ट्रेन में कितना समय लगेगा? देख भैया 900 मीटर है 90 नहीं सॉरी 900 मीटर है और 900 मीटर है, तो मीटर है तो आपको यहाँ पर किलोमीटर है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, दोनों एक में बदलना है, ठीक है। तो इसका देखिए, तो ट्रेन की लंबाई और प्लेटफार्म की लंबाई जोड़ दीजिए, तो ये हो जाएगा 9 दुनी 1800, ठीक है, तो कुल लंबाई हो गई 1800, ठीक है 1800 मीटर, और इसकी स्पीड देखिए 105 है 108 है, ठीक है। लेकिन इसको किस में बदलना है, आपको मीटर पर सेकंड में बदलना है, तो मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए हमने बताया है आपको कि 8/ क्या करेंगे, 5/18 से गुणा करते हैं, 5/18 से गुणा करते हैं, यहीं डायरेक्ट कर लीजिए या अलग कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये 18 ऊपर चला जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा फिर, ये हो जाएगा 1800 × 18/108 × 5, ठीक है, ये काट पीट कर लीजिए, आंसर आपका मिल जाएगा, ठीक है। तो देखिए इसका आंसर आप देखिए, इसको काटिएगा तो कितना आएगा भाई, इसका 60 सेकेंड लगेगा, ठीक है, 60 सेकेंड में ये जो है पार कर लेगी, ठीक है, काट देंगे कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो 18 देखिए 18 × 108 होता है ना, 6 × 3 = 18 होता है, तो ऊपर 300 बचा और 5 से भाग देवो तो भाई 5 × 30 = 60 नहीं आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, काट पीट कर लीजिएगा, तो कितना आएगा 60 सेकंड में वो पार कर जाएगी। आइए देखते हैं, यदि कोई धनराशि बैंक में साधारण ब्याज दर पर जमा कराने पर 6 वर्ष में दुगनी हो जाती है, 12 वर्ष में वह धनराशि कितनी होगी, ये फार्मूला आपको बताया था कल, T1 / T2 = N1 - N2 - E1, इसी पर रख दीजिए भाई, इसी पर रख दीजिए, ठीक है। तो 6/12 = हो जाएगा 2 × -1, यन मतलब गुना, ठीक है, 2 गुना हो रहा है तो यन की वैल्यू 2 कर देना और N2 - 1 सॉल्व कर लीजिए, तो देखिए 6 × 1 = 6, 6 × 2 = 12 कट जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई N - 2 = हो जाएगा, इधर देखिए 2 में से 1 घटेगा, तो 2 में से घटे 1 बचेगा, 2 क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 2 ही आई भाई, तो यन बराबर कितना आ जाएगा, उधर जाएगा, तो ये 1 है भाई, ये 1 है, ठीक है, क्रॉस करते हैं तो 2 इधर जाएगा 1, तो +1 = 3, ठीक है, तो राइट आंसर बी हो जाएगा, ठीक है, इसी पर रख के लीजिए, तो 3 गुना हो जाएगी। अगला देखते हैं, कहने कि एक क्रिकेटर द्वारा 42 पारियों में बनाए गए रनों की औसत संख्या 30 है, एक पारी में उसके द्वारा बनाए गए अधिकतम और न्यूनतम स्कोर के बीच का अंतर 100 है, यदि इन दोनों पारियों की
पारियों को नहीं गिना जाए तो शेष 40 पारियों का औसत स्कोर 28 है, उसके द्वारा एक पारी में बनाए गए अधिकतम रनों की संख्या बताइए। चलिए भी करते हैं इसको, तो देखिए, तो मान लीजिए उसने अधिकतम रन यक्स बनाया, ठीक है, और न्यूनतम रन फिर कितना बनाएगा, यक्स माइनस 100 कर दीजिए, ठीक है, यक्स माइनस 100 कर दीजिए, ठीक है, तो 40 गुणे 28, ठीक है, देखिए 40 पारी और 28 का औसत निकल जाएगा, प्लस एक्स फिर प्लस यक्स माइनस का 100, ठीक है, ये आपको कर दीजिए, और इक्वल टू कितना है, 42 पारियों और औसत 3 है, तो 42 गुणे 3 30 कर दीजिए, यही सॉल्व करिएगा भाई, आप कर लेंगे कोई दिक्कत नहीं है, सॉल्व करेंगे तो 12 कितना आ जाएगा, यक्स की वैल्यू 120 आ जाएगा, ठीक है, तो राइट आंसर आपका यहाँ पे ए नंबर हो जाएगा, सॉल्व कर लीजिएगा इसको। एक ताश की गड्डी से एक पत्ता खींचा जाता है, उसके बेगम या इक्का होने की प्रायिकता कर दीजिए। देखिए एक कुल आने की संभावना कितनी है, 52, क्योंकि 52 ताश में 52 कुल कितने कार्ड होते हैं, 52, और देखिए बेगम कितने होते हैं, 4 होते हैं, इक्का कितने होते हैं, इक्का कितने होते हैं, 4 होते हैं, तो ये कुल कितने आने की संभावना हो जाती है, संभावना, तो देखिए प्रायिकता बराबर होती है आने की संभावना बटे कुल संभावना, तो देखिए आने की संभावना क्या हो सकती है, इन दोनों को 8 कर दीजिएगा, 8 और बटे कुल संभावना 52, तो ये काट लीजिए भाई, 4 × 8 और 4 × 4 = 12, मतलब कि 2/13, प्रायिकता कितनी आई, 2/13, राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, बी नंबर आपका हो जाएगा भाई, बी नंबर हो जाएगा। देखिए अब मैथ का पार्ट यहाँ समाप्त होता है, ठीक है, अब हम आप करेंगे इंग्लिश का पार्ट, ठीक है, चलिए भाई इंग्लिश का आपका पहला प्रश्न है, 51 नंबर शुरू होगा, द फॉलोइंग सेंटेंस आर डिवाइडेड इन 3 पार्ट्स, वन ऑफ द पार्ट्स मे हैव एन एरर, इफ देयर इज एन एरर मार्क द ऑप्शन ऑफ दैट पार्ट एज योर आंसर, इफ देयर इज नो एरर मार्क ऑप्शन डी, ठीक है, ये देखिए ये आपका सेंटेंस है, करेंगे टू हु डिड यू स्पीक लास्ट नाइट नो एरर, बताइए यहाँ किस में आपका एरर है, किस पार्ट में, आपका ए में है कि बी में है कि सी में कि डी में, अगर नहीं रह रहा है तो डी ऑप्शन चुनना है। देखिए यहाँ पे टू हु कह रहे हैं कि देखिए प्रीपोजिशन आया है प्लस, फिर देखिए प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव केस आता है, ऑब्जेक्टिव केस आएगा, ठीक है, ऑब्जेक्टिव केस आएगा, ये आपको यहाँ पे बताना है, ठीक है, तो देखिए प्रीपोजिशन के बाद आपका ऑब्जेक्टिव केस आता है, तो हु जो है आपका नॉमिनेटिव केस है, जो कि आपका यहाँ पे हु के स्थान पर क्या आएगा, हुम आएगा, तो टू प्लस हुम आएगा, ठीक है भाई, हुम आएगा, तो ऑप्शन जो है ए में जो है आपका देखिए एरर हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए इसका आपका राइट हो जाएगा, तो आपका सही सेंटेंस हो जाएगा टू हुम डिड यू स्पीक लास्ट नाइट, ठीक है। चल अगला देखते हैं, फिल इन द ब्लैंक इन द फॉलोइंग सेंटेंस विद द करेक्ट अल्टरनेटिव, तो यहाँ पे आपको भरना है, देखिए सेंटेंस है द मदर मंकी पिक्ड अप मतलब उठा लिया हर बेबी अपने बेबी बच्चे को एंड क्लाइम माने चढ़ गई अप द ट्री टू, बताइए इसमें क्रुएल्टी भरेंगे कि एबिलिटी भरेंगे कि सेफ्टी की या एजिलिटी भरेंगे, तो राइट आंसर आपका कौन सा इसमें भरेंगे, कौन सा हो जाएगा भाई, तो बताइए सही ऑप्शन हो जाएगा, देखिए इसमें राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ देखिए सी नंबर सही हो जाएगा, सेफ्टी, ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन आपका सही हो जाएगा ए नंबर, ठीक है, सुरक्षित, ठीक है, ये एबिलिटी आप जानते हैं क्षमता होती है, एजिलिटी क्या होता है, ये चपलता होता है, ठीक है, और ये क्रूएल का क्रूएल्टी बनी है, तो ये आपका कूरता होता है, निर्दयता, ठीक है, तो देखिए आपका यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा, तो द मदर से मंकी पिक्ड अप हर बेबी एंड क्लाइम अप द ट्री टू सेफ्टी, ठीक है, तो वह सुरक्षित पूर्वक जो है जो मंकी की मदर थी वह अपने बच्चे को कहाँ ले गई, पेड़ पर चढ़ गई लेकर, ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी भर देंगे। चलिए अगला देखते हैं भाई, करें कि फिल इन द ब्लैंक इन द फॉलोइंग सेंटेंस विद द करेक्ट अल्टरनेटिव, तो देखिए आपको भरना है, देखिए यहाँ पे कहने की आई वॉज डिटरमाइंड नॉट टू स्टे इन हॉस्पिटल फॉर एनी लॉन्गर, तो डिटरमाइंड माने जानते हैं निश्चय करना, ठीक है, लॉन्गर वॉज स्ट्रिक्टली नेसेसरी माने आवश्यक, बताइए भाई क्या भरेंगे आप यहाँ, तो यहाँ पे आपको बताना है, कहने की वेन भरेंगे कि दैन की देन की दैट, बताइए भाई यहाँ राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा, तो देखिए देखिए यहाँ पे आपको ध्यान रखें, देखिए लॉन्गर आया है, लॉन्गर क्या है भाई, ये आपका जो एडवर्स लॉन्गर की कंपरेटिव डिग्री क्या, लॉन्ग की कंपरेटिव डिग्री लॉन्गर हो गई, तो ये लॉन्गर जो है कंपरेटिव डिग्री है, और कंपरेटिव डिग्री के बाद कंजंक्शन दैन का प्रयोग होगा, ठीक, तो आप यहाँ दैन भरेंगे, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका लॉन्ग का कौन सा भाई, लॉन्ग का कंपरेटिव डिग्री लॉन्गर है यहाँ दिया, तो आपका कंजंक्शन आपका दैन आएगा, तो ऑप्शन बी आपका चुनेंगे, तो आई वॉज डिटरमाइंड नॉट टू स्टे इन हॉस्पिटल फॉर एनी लॉन्गर
देन वाज द स्ट्रिक्टली नेसेसरी, ठीक है। तो ऑप्शन बी आपको भर देना है। अगला देखते हैं, करें कि चूज द करेक्ट सिनोनिम्स, सिनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। तो यहां पे, तो यहां राइट आंसर आपका यहां पर हो जाएगा, देखिए। तो एविडेंट, तो यहां पे एविडेंट मीन क्या होगा भाई, तो यहां प्रत्यक्ष या स्पष्ट, ठीक है। तो ये आपको बताना है, एविडेंट, एविडेंट मतलब प्रत्यक्ष, ठीक है, प्रत्यक्ष या प्रकट, प्रकट, ठीक है। तो इसका आपको क्या बताना है, सिनोनिम से। तो राइट आंसर आपका यहां पर हो जाएगा, ठीक है। तो सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा भी, करें कि अनक्लियर मतलब अस्पष्ट, ठीक है, और हिडन छिपा हुआ, ऑबियस या डोबियस। तो यहां पे आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, देखिए ऑबियस हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑबियस हो जाएगा। इसका मतलब क्या होता है, अस्पष्ट होता है, ठीक है, अस्पष्ट होता है प्रत्यक्ष। इसका सिनोनिम्स, एविडेंट का सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, ऑबियस। तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल यहां सही हो जाएगा, ठीक है। अनक्लियर जानते हैं अस्पष्ट हो जाएगा, हिडन मैंने छिपा हुआ, ठीक है, और डूबियस मतलब क्या हो जाएगा, संदिग्ध, ठीक है, संदिग्ध। अगला है, चूज द बेस्ट एंटोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड फ्रॉम द ऑप्शन गिवन। आपको एंटोनिम्स है, हिडन देखिए अभी आया था, हिडन का आपको क्या बताना है, एंटोनिम्स अपोजिट बताना है, बिलोम जिसको आप कहते हैं, ठीक है। देखिए कंसील, देखिए कंसील कह रहे हैं कि कंसील्ड माने होता है छुपा हुआ, ठीक है भाई, कंसील्ड माने छुपा हुआ, ठीक है। और बताइए कन्वर्ड माने ढका हुआ, सॉरी कवर्ड है, कवर्ड माने ढका हुआ, ढका हुआ, ठीक है। और व्हील्ड मीन क्या होता है, घूंघट, ठीक है, व्हील्ड माने घूंघट। और अपेरेंट मीन क्या होता है भाई, यहां पे आप बताओ, अपेरेंट अस्पष्ट हो जाएगा, ठीक है, तो अस्पष्ट, अपेरेंट मीन अस्पष्ट, अस्पष्ट, तो एंटोनिम्स होगा, जब छिपा हुआ क्या हो गया, अस्पष्ट हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, अपेरेंट, ठीक है। तो हिडन का एंटोनिम्स अपेरेंट, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला देखते हैं अभी, करें सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम्स आपको बताना है, देखिए अंडरलाइन जो है, करें कि कैन आई बारो, बारो माने जानते उधार लेना, योर सेल, सी आस्क्ड, सेल माने फोन, कहने कि क्या मैं आपका जो है फोन उधार ले सकता हूँ, उसने पूछा, ठीक है। तो ये आपको बताना है, उसने पूछा, करें कि बाइट होगा, लेंड होगा, हायर होगा या रेंट पर होगा, बताइए भी सही ऑप्शन हो जाएगा, हायर माने किराए पर लेना, ठीक है, किराया, ठीक है, और ठीक है, बाइट माने काटना होता है, लेंड या रेंट माने किराया, आप जानते हैं तो किराया, तो देखिए लेंड हो जाएगा इसका बी नंबर, बारो का एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, लेंड हो जाएगा। अगला है, चूज द वर्ड विच मीन्स द सेम एज ग्रुप ऑफ वर्ड गिवन, ठीक, करें कि ए प्लेस वेयर क्लॉथ्स आर किप्ट, वह स्थान जहां कपड़े रखे जाते हैं, ठीक है, आपको बताना है, राइट आंसर हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा भाई, वार्डरोब हो जाएगा, देखिए इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, वार्डरोब माने क्या होता है, अलमारी, ठीक है, अलमारी, तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल यहां सही हो जाएगा। कोफिन माने क्या होता है, ताबूत होता है भाई, ताबूत होता है, ठीक है, ताबूत होता है, ये आपको ध्यान रखना, ठीक है। अमेंडमेंट मतलब जानते हैं संशोधन, यहाँ पे आपका कौन सा हो जाएगा, अच्छा यहाँ देख रहे थे, ठीक है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे डी नंबर, ठीक है। अगला देखते हैं, आइडेंटिफाई द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, तो यहाँ पे आपको स्पेल्ड वर्ड आपको यहाँ पर बताना है, ठीक है, 59 में राइट आंसर हो जाएगा, स्पेल मतलब इसमें करेक्ट स्पेलिंग बताना है, अमेंडमेंट का, अमेंडमेंट मतलब क्या होता है, संशोधन, ठीक है, संशोधन, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए किसकी, इसमें कौन सी स्पेलिंग सही है इसकी, तो देखिए ऑप्शन डी हो जाएगा, AMEDMENT, अमेंडमेंट, ऑप्शन डी आपका बिल्कुल यहाँ राइट हो जाएगा। अगला देखते हैं, कहें कि आइडेंटिफाई द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड इन द गिवन सेंटेंस, देखिए ये सेंटेंस दिया, इसमें कौन सा, इसी सेंटेंस से उठाकर आपको ऑप्शन बनाया गया, कहने कौन सा गलत है, ठीक है। कहें कि द फूड स्पॉइलेज रिफर्स टू एन इरिवर्सिबल मॉडिफिकेशन इन विच फूड बिकम्स इन एडिबल्स और इट्स क्वालिटी कम्प्रोमाइज्ड, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको देखना है, देखिए इसका स्पेलिंग क्या हिंदी हो जाएगी, खाद्य पदार्थों का खराब होना एक क्या है, अपरिवर्तनीय परिवर्तन है जिसमें भोजन अखाद्य हो जाता है या उसकी गुणवत्ता से समझौता
हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको देखिए मॉडिफिकेशन, मॉडिफिकेशन मैंने भी होता है संशोधन, ठीक है। इरिवर्सिबल आप जानते हैं अपरिवर्तनीय, और इनएडिबल क्या होता है भाई, अखाद्य होता है। क्या होता है इनएडिबल माने अखाद्य होता है। इस देखिए इस पॉइलेज की स्पेलिंग गलत है, इसकी स्पेलिंग आपको गलत है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। इसकी सही स्पेलिंग हो जाएगी यस पी ओ आई एल ए जी हो जाएगा, ठीक है। ये इसकी स्पेलिंग आपका सही हो जाएगा, स्पोलिएज, इसको पढ़ेंगे स्पोलिएज, ठीक है। स्पेलिंग आपकी ये आपकी गलत है, सही दी गई है तो स्पेलिंग ये सही इसकी हो जाएगी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ए नंबर आपका बिल्कुल यहाँ सही हो जाएगा। अगला है आइडेंटिफाई द अंडरलाइन पार्ट द वर्ड ऑफ द सेंटेंस विच इज नॉट ग्रामेटिकली करेक्ट, करेक्ट बताना है। देखिए ऑप्शन क्वेश्चन सेंटेंस है, कहें द ग्रेटेस्ट थिंग्स इन द स्टाइल ऑफ राइटिंग और स्पीकिंग इज टू हैव ए यूज ऑफ मेटाफोर। तो यहाँ पे आपको बताना है कि नॉलेज होगा, कमांड होगा, नीड होगा ना, या नो इम्प्रूवमेंट, यूज के स्थान पर क्या आएगा। तो देखिए मेटाफोर आया है यहाँ पे आपका, ये अलंकार है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इसका क्या होगा, नॉलेज होगा भाई, नीड की कोई आवश्यकता नहीं, कमांड नहीं होगा यहाँ, नॉलेज होगा। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल यहाँ हो जाएगा, रिप्लेस कर दीजिएगा यूज के स्थान पर नॉलेज आ जाएगा। विच आर द फॉलोइंग वर्ड इज स्पेल्ड रांगली बताइए, यहाँ पे आपको बताना है राइट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा। देखिए कहने की एसेसिबल, एसेसिबल माने होता है सुलभ, क्या होता है भाई सुलभ, ठीक है सुलभ होता है, ठीक है। और डिजरेबल क्या होगा, वांछनीय, क्या होगा भाई वांछनीय होगा, ठीक है। परमिसिबल होगा आदेश, ठीक है। और प्रोनाउंसिएशन देखिए इसकी जो है स्पेलिंग आपकी क्या है, यहाँ पे इरर है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका कौन सा हो जाएगा, इरर स्पेलिंग है, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, डी वाले में प्रोनाउंसिएशन उच्चारण में जो है स्पेलिंग, देखिए स्पेलिंग इरर है, ठीक है। तो इसकी सही स्पेलिंग क्या हो जाएगी, पी आर ओ एन यू एन सी आई ए टी आई एन होगा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, तो स्पेलिंग सही हो जाएगी पी आर ओ एन यू एन सी आई ए टी आई ओ एन होगा, ठीक है। यहाँ पे आपको देखिए, तो यहाँ वो देखिए बे मतलब कर दिया गया है, तो वो नहीं रहेगा। तो ऑप्शन नंबर आपका डी में जो स्पेलिंग में इरर है, और सबका स्पेलिंग सही है, ठीक है। देखिए अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स डज नॉट कन्वे द मीनिंग ऑफ द स्टील थी, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे बताना है, ठीक है। तो राइट आंसर आपका यहाँ हो जाएगा, देखिए स्टील थी मतलब क्या होता है, चुपके से, क्या होता है चुपके से, चुपके से। तो बताइए भाई ओपन आप जानते हैं खुला हुआ, स्नीकी माने डरपोक होता है, डरपोक, ठीक है, स्नीकी माने डरपोक। सेक्रेटिव क्या होता है भाई, गुप्त होता है, और ओपन माने खुला हुआ जानते हैं, ठीक है। और फर्टिव माने भी क्या होता है, गुप्त होता है, गुप्त होता है। तो देखिए इसका ओपन हो जाएगा, ऑप्शन ए बिल्कुल यहाँ सही हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स मीन्स रफली द सेम एज ग्लिब, ठीक है। तो ये आपको बताना है, राइट आंसर हो जाएगा, तो ग्लिब का आपका सेम स्पेलिंग इसमें कौन सी है, ठीक है। देखिए ग्लिब मीन क्या होता है, फिसलनदार, फिसलनदार होता है, ठीक है। अब बताइए भाई इसका राइट आंसर हो जाएगा, हेल्टिंग माने होता है रुकना, हेल्टिंग मीन क्या होता है, रुकना, ठीक है। और स्लम्बलिंग क्या होता है, स्लम्बलिंग माने सुस्ती, ठीक है, स्लम्बलिंग माने सुस्ती हो जाएगा। और फल्टरिंग मीन क्या होता है भाई, लड़खड़ाना, ठीक है, फल्टरिंग मीन लड़खड़ाना। और फ्लुएंट होगा धारा प्रवाह, ठीक है। तो कौन सा हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ सी हो जाएगा, फ्लुएंट है, ठीक है। तो ग्लिप का सेम मीनिंग क्या हो जाएगी, फ्लुएंट। आइए देखते हैं अगला है, विच आर द फॉलोइंग वर्ड्स मीन रफली एज सेम एज द साइनी कल हो जाएगा, इसकी आपको स्पेलिंग बताना है सेम, ठीक है। तो यहां पे राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, एसेप्टिकल हो जाएगा। एसेप्टिकल माने क्या होता है भाई, संशयवादी, ठीक है, संशयवादी। तो इसका ऑप्शन नंबर इसका सही हो जाएगा ए नंबर, चीयरफुल माने प्रसन्नचित होता है, होपफुल आशावादी, पॉजिटिव सकारात्मक, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका सही हो जाएगा ए नंबर। अगला कहने की द मेन आइडल एलॉन्ग विद द ज्वेल्स
वर फाउंड मिसिंग दिस मॉर्निंग। तो यहाँ पे आपको बताना है इसमें किस पार्ट में आपको एरर है, ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, देखिए यहाँ पे वर के स्थान पर क्या आएगा, यहाँ पे वर के स्थान पर वा जाएगा, ठीक है, वा जाएगा, यहाँ पे वा जाएगा, ठीक है। तो यहाँ जो है, यहाँ सब्जेक्टिव वर्ब एग्रीमेंट की त्रुटि है, ठीक है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का यहाँ पे त्रुटि है, ठीक है। देखिए सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या कहता है, यदि दो नाउन या प्रोनाउन एलांग विद से जुड़े हैं तो दूसरे नाउन या प्रोनाउन के पहले आने वाला शब्द जो है पहले सब्जेक्ट के अनुसार होता है, अतः यहाँ पर वर्ग के स्थान पर क्या हो जाएगा, वाज का प्रयोग होगा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, तो ठीक है, एलांग विद से है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, बी नंबर में एरर हो जाएगा, वर्ग के स्थान पर वाज होगा। अगला है नाइदर, देखिए नाइदर द मैनेजर नॉर हिज सेक्रेटरी वर अवेलेबल फॉर कमिटीज, मतलब ये न मैनेजर था न सेक्रेटरी जो अवेलेबल मैंने शामिल थे या उपलब्ध थे कमेटी में, ठीक है। तो देखिए बताइए भाई, नाइदर नार का प्रयोग आया हुआ है, काफ़ी कई बार ये परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है भी। तो यहाँ भी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट लगेगा, ठीक है, यहाँ पे त्रुटि है, ठीक है। तो यहाँ भी देखिए वाज के स्थान दिया वर दिया है, वर के स्थान पर वाज आएगा, ठीक है, वाज आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, करें कि आपको क्वेश्चंस आपको देखिए यहाँ पे 67 से 69 करना है। चूज द ऑप्शन दैट बेस्ट कंप्लीट्स ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस, यहाँ देखिए करें कि सील्ड टेंडर्स विल बी रिसीव्ड, खाली स्थान भरना है, द ऑफिस फिर स्पेस द चीफ इंजीनियर। तो यहाँ पे बताइए क्या भरेंगे, आपको प्रीपोजिशन भरना है। तो राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, तो देखिए इन भरेंगे, इन आप इन द ऑफिस यहाँ भर देंगे, फिर इसके बाद आपका ऑफ द चीफ इंजीनियर, तो यहाँ ऑफ भर देंगे, ठीक। तो ऑप्शन नंबर इसका ए बिल्कुल यहाँ राइट हो जाएगा। अगला देखते हैं, करें कि द सीरियस स्टूडेंट स्पेस दिस ग्रुप आर द वंस हु डिमांड एंड द मोस्ट द कॉलेज, बताइए यहाँ दोनों के खाली स्थान पर भरें, द सीरियस स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, ठीक है, राइट आंसर कौन सा हो जाएगा भाई। तो यहां देखिए ऑप्शन नंबर इसका सी भरेंगे, ऑफ और इन भर देंगे, द सीरियस स्टूडेंट ऑफ दिस ग्रुप आर द वंस हु डिमांड द मोस्ट इन द, देखिए इन आया इन द कॉलेज हो जाएगा। तो यहां आपको पहले में आपको ऑफ भर देना है यहां पे, ठीक है, और यहां पे इन। 69 देखिए, द वॉल कोलैप्स्ड, कोलैप्स करना, द वॉल कोलैप्स्ड स्पेस ए क्राउड भीड़ स्पेस पीपल्स वर ब्यूरीड स्पेस द रबल, ठीक है। तो यहाँ आपको कौन सा प्रीपोजिशन भरेंगे, राइट आंसर आपका हो जाएगा, सही ऑप्शन हो जाएगा, देखिए कोलैप्स ऑन ए भरेंगे, ऑन आएगा, ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा, फिर ऑफ पीपल फिर ब्यूरीड अंडर द रबल, तो ये आपका बी नंबर बिल्कुल ऑप्शन यहां पे भर देंगे। इट इज टाइम्स बी डिड अवे विथ सम ऑफ दीज आउटडेट लॉज, द एक्सप्रेशन अंडरलाइंस इन द सेंटेंस मीन्स, तो देखिए इस जो अंडरलाइन है डिड अवे विथ का सेम मीनिंग इसमें कौन सा हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पे आपका देखिए डिड अवे विथ का मतलब होता है क्या, मुक्ति पाना या निरस्त करना, ठीक है। तो जो समय आउटडेटेड लॉज, जो समय जिस भी नियम का डेट समाप्त हुई उनको क्या करना चाहिए, निरस्त कर देना चाहिए, ठीक है, समय के अनुसार बताइए। तो यहां पे आपका राइट आंसर हो जाएगा, डिड अवे विथ का मतलब होता है भाई मुक्ति पाना या निरस्त करना, ठीक है। तो यहां पे राइट आंसर हो जाएगा एबोलिस्ट हो जाएगा, एबोलिस्ट मतलब समाप्त करना या खत्म करना, ये आपका ऑप्शन नंबर बी आपका सही बिल्कुल हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये आपका पैसेज है, इसी पैसेज को 71 से 75 आंसर पढ़ना है, ठीक है, देखिए आइए पढ़ते हैं भाई इसको, पैसेज में क्या है, थोड़ा पैसेज को भी आज देखिए क्लोज टेस्ट इसमें नहीं है आज आपको
पूरा पैसेज दिया है। करेगी व्हाट डज ए ह्यूमन बीइंग नीड, मतलब एक मानव की क्या जरूरत है। वी डू नॉट नो, मतलब हम नहीं जानते। ए 100 ईयर्स एगो पीपल डिड नॉट नो, मतलब कि 100 साल पहले जो हैं लोग जो हैं डिड नॉट नो, नहीं जानते थे दैट की वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ह्यूमन नीड, मानव की सबसे बड़ी आवश्यकता क्या है, वाज प्रोटेक्शन अगेंस्ट डिसीज काजिंग जर्म, ठीक है, जो कि बीमारियों के से बचने के लिए। फिर कहने की देयर वेयर प्रोबेबली नीड एज द इम्पॉर्टेंस एज दिस विच वी डू नॉट इट नाउ बट पीपल्स विल नो 100 ईयर्स हेंस, वी कैन स्टिल मेक ए लिस्ट, इवन अगर हम इनकी क्या बनाएं लिस्ट बनाएं क्या क्या जरूरत है, तो वी आर श्योर पक्का दैट समथिंग्स इम्पॉर्टेंस माइट हैव द बीन लेफ्ट आउट, मतलब इनकी हम अगर लिस्ट बनाएंगे तो कुछ ना कुछ हम जो महत्वपूर्ण है उसको हम छोड़ देंगे लिस्ट में। आगे देखते हैं भाई, कहने की फर्स्ट वन आवर लिस्ट विल बी द मोस्ट अर्जेंट नीड विथआउट विथ एनी वन वुड सून डाई, ठीक है, एंड लेटर ऑन वी सेल लिस्ट सम ऑफ थिंग्स वी नीड इफ वर टू बी हैप्पी एंड थिंग्स विच विल बी द यूजफुल, जैसे एग्जाम्पल ऑफ लर्निंग टू कम्युनिकेट इन इंग्लिश इफेक्टिव थ्रो वी डू नॉट नीड देम फॉर लाइफ और इवन फॉर हेल्थ, मतलब हमारे जीवन में क्या हेल्थ के लिए हमारे जीवन में क्या जरूरी है क्या नहीं जरूरी है। आगे देखते हैं भाई, कह रहे कि व्हेन आई मेड ए लिस्ट, जब हमने एक लिस्ट बना लिया, आई सून फाउंड, मैंने जल्दी ही पाया आउट कि दैट मोस्ट ऑफ आवर नीड आर द क्वांटिटेटिव, जो मात्रात्मक थी, वी मस्ट नॉट हैव टू लिटिल ऑफ वेरियस, मैंने भिन्न भिन्न प्रकार की थिंग्स, ठीक है, बट ऑल्सो मस्ट नॉट हैव टू मच, मतलब कि कुछ ज़्यादा नहीं। वी नीड सम फूड बट टू मच ऑफ इवन द बेस्ट फूड मेक्स इज सिक, कहने का मतलब हमें भोजन की जरूरत है लेकिन ज़्यादा, मतलब कि अधिक से ज़्यादा हो जाएगी तो हमको क्या बना देगी, मेक सिक, हमें बीमार बना देगी, मतलब आपको इतना मात्रा में भोजन लेना है कि वो हमारे लिए ना ज़्यादा हो ना कम, भाई बहुत कम भी नहीं सही है और ना ही बहुत ज़्यादा भी, नहीं तो हमें बीमार बना देगी। वी नीड एजुकेशन इफ वी आर टू फिट इन टू द सिविलाइज्ड, अगर हमें क्या है, वी नीड एजुकेशन, हमें शिक्षा की जरूरत है, इफ वी आर टू फिट, अगर हमें फिट रहना है इन टू एक सभ्य सिविलाइजेशन में, सभ्य सोसाइटी, सभ्य समाज में। बट ए बॉय हु वाज मेड टू रीड फॉर 12 आवर, लेकिन क्या भाई एक लड़का जो 12 घंटे पढ़ता है ए डे माइट नॉट फिट वेरी वेल, लेकिन वह लड़का जो है या फिट नहीं रहेगा। डिफरेंस पीपल हैव द डिफरेंस नीड, मतलब अलग अलग लोगों की अलग अलग क्या होती है जरूरत होती है, नीड्स माने जरूरत, अकॉर्डिंग टू दियर एज सेक्स जॉब एंड सो, मतलब कि एज के अनुसार उनके अवस्था के अनुसार उनके जॉब के अनुसार अलग अलग लोगों की क्या होती है भाई जरूरत होती है। फाइनली ए लॉट ऑफ व्हाट वी थिंक नीड टू नीडलेसली एक्वायर्ड इफ वी हैव बीन द एक्स्टम्ड टू समथिंग सच ए क्या है चॉकलेट्स टीवी स्मार्टफोन वी से गेट अनहैप्पी इफ इट टेकन अवे, कहने का मतलब कि अगर ये सब चीज़ें आपसे थोड़े समय के लिए ले लिया जाए, अगर आपको मोबाइल ना दिया जाए तो आप बी मे बी गेट अनहैप्पी, तो आप क्या हो जाएंगे दुखी हो जाएंगे भाई, दुखी हो जाएंगे। इट इज टेकन अवे बट वी कुड हैव गॉट ऑन राइट विथआउट देम, लेकिन आपको यह ज्ञात है कि इसके बिना भी आप क्या रह सकते हैं, क्या रह सकते हैं भाई सही रह सकते हैं, मतलब कह रहे कि बट कुड हैव गॉट ऑन राइट विथआउट देम, विथआउट माने इनके बिना और देम माने इनके, इनके बिना भी आप एकदम सही रह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये टीवी चॉकलेट आपसे फोन दूर किया जाए तो आप रह सकते हैं, लेकिन अब आपकी क्या होगी जरूरत हो गई। चलिए भाई ये आपका आपका पहला इसे वाक्य पूछ रहा है कि व्हाट इज लाइकली टू बी नो पीपल से 100 ईयर फ्रॉम नाउ, बताइए क्या पसंद करना थे, कहने कि व्हाट लाइकली टू बी नो पीपल से 100 ईयर से फ्रॉम द नाउ, मतलब 100 साल पहले जो है वो क्या नो पीपल क्या जानना चाह रहे थे। तो दैट ए इंपॉर्टेंस ह्यूमन नीड प्रोटेक्शन अगेंस्ट द जर्म, हाँ भाई ये पहले शुरू में ही पढ़ा था कि वो जानना चाह रहे थे कि कैसे हम जर्म से बचने के लिए प्रोटेक्शन की कैसे हमें क्या इंपॉर्टेंस है, ह्यूमन नीड है क्या आवश्यक है, ठीक है, उनकी प्रोटेक्शन अगेंस्ट द जर्म, जर्म के विरुद्ध, ठीक है। तो ये आपका पहला ही बिल्कुल यहाँ सही हो जाएगा, यही आपका शुरू में एकदम मिला था भाई। कहने कि विच ऑफ द फॉलोइंग डज द ऑथर नॉट टॉक अबाउट इन दिस पैसेज, मतलब इस पैसेज में क्या नहीं बात करना चाह रहा है। तो सम थिंग्स वी नीड अर्जेंटली फॉर लाइफ, ये बात किया है भाई, सम थिंग्स वी डू नॉट नीड फॉर लाइफ बट फॉर हैप्पीनेस के लिए, मतलब कि जैसे फोन हो गए चॉकलेट के जीवन में कोई जरूरी, लेकिन खुशी होने के लिए टीवी मोबाइल चाहिए, ये बात किया है भाई। ए लॉट ऑफ थिंग्स आर एक्वायर्ड बाय द थो वी डू नॉट रियली नीड देम, भाई ज़्यादा जरूरत नहीं, ये भी किया है बात। करे सम थिंग्स वी नीड आर यूजफुल टू अस, बताइए भाई। तो राइट आंसर इसका कौन सा हो जाएगा, डी नंबर ही आपका यहाँ सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, करें द अथर सेज दैट डिफरेंस पीपल्स हैव डिफरेंट नीड,
भाई अथर जो है कह रहा है कि डिफरेंट पीपल, मतलब अलग अलग लोग हैव डिफरेंट नीड, उनकी अलग अलग जरूरत होती है अकॉर्डिंग टू दियर एज सेक्स जॉब एंड सो ऑन, अभी आपने नीचे ही पढ़ा था, तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, एक्सप्लेन व्हाई वी आर सेम टू लिव आउट इंपॉर्टेंट थिंग्स इन आवर लिस्ट ह्यूमंस नीड। ठीक है, देखिए भी अगला देखते हैं, एक 73 द ऑथर सेज डिफरेंस पीपल्स हैव डिफरेंट नीड। एक मिनट भाई, इसका ह्यूमन ये सो दैट मोस्ट आवर नीड्स आर द क्वांटिटेटिव, तो देखिए इसका राइट आंसर जो है आपको कौन सा हो जाएगा, डी नंबर, ये तो हो जाएगा, ये डी नंबर होगा। ठीक है भाई, 73 का अगला देखते हैं 74 नंबर, व्हाट इज द ऑथर्स एटीट्यूड टूवर्ड्स चॉकलेट सिगरेट एंड टीवी। ये आपका राइट आंसर इसमें क्या बताया गया है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, वी डू नॉट नीड दिस गेट ऑन विथ आवर लाइफ, मतलब इन्हें इनको आपको ज़्यादा जरूरत नहीं है, अगर आपको ये नहीं मिलेंगे तो आप निश्चित रूप से जीवन में जी सकते हैं। ठीक है, अगला है विच सेइंग दैट मोस्ट आवर नीड क्वांटिटेटिव द ऑथर्स एसेट्स दैट, भाई सबसे ज़्यादा मात्रात्मक हमें क्या जरूरत है लेखक का मानना है, तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा सी, वी मस्ट हैव नाइदर टू लिटिल नार टू मच ऑफ एनीथिंग, मतलब अगर कोई चीज़ ले रहे हो ना भाई, बहुत कम भी आपको लेना है बड़ा अच्छा नहीं है, और बहुत ज़्यादा भी लेना हमारे सेहत के लिए अच्छा नहीं है, तो ये कहना चाह रहा है, मतलब आपको क्या लेना है, डाइट लेना है, कुछ लेना है, तो बहुत कम भी नहीं, बहुत ज़्यादा भी, मात्रात्मक रूप से ये बताने का लेखक इसमें कोशिश किया है। ठीक है, चलिए अगला देख, अब देखिए आपका क्या आ गया भाई, अब जो है आपका जीएस के पार्ट को कवर करेंगे। ठीक है, जीएस के पार्ट को कवर करते हैं, देखिए पहला प्रश्न कह रहे हैं कि अटल पेंशन योजना, ठीक है भाई, अटल पेंशन योजना के तहत पेंशन रिटर्न ग्राहक के वर्ष का हो जाने के बाद दिया जाता है, तो यहाँ पे राइट आंसर कौन सा हो जाएगा भी, आपका ऑप्शन बी हो जाएगा 60 वर्ष। ठीक है, तो इसकी शुरुआत 9 मई 2015 में जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जो है अटल पेंशन योजना की शुरुआत की गई थी। ठीक है, तो इसकी जो है आपको ध्यान रखना है 60 वर्ष। अगला देखते हैं अभी, कह रहे हैं कि भगवान महावीर का जन्म वर्तमान समय के स्पेस राज्य में हुआ था, तो ये किस राज्य में हुआ था भाई, तो ये बिहार में हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। ठीक है, तो बिहार राज्य के कुंडल ग्राम में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, अगला है 1757 में ने प्लासी में सिराजुद्दौला के खिलाफ कंपनी की सेना का नेतृत्व किया था, तो ये आपको यहां पर बताना है, राइट आंसर हो जाएगा, सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा भी, रॉबर्ट क्लाइव हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल यहाँ सही हो जाएगा। ठीक है, तो 1757 में प्लासी के सिराजुद्दौला के खिलाफ कंपनी की सेना का नेतृत्व किसने किया था, ये रॉबर्ट क्लाइव था। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला है ज्योतिबा फूले ने में सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी, तो ये आपको बताना है ज्योतिबा फूले ने सत्यशोधक समाज की स्थापना कब की थी, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ बी हो जाएगा 1873 में। ठीक है भाई, ये आपको ध्यान रखना है, कई बार परीक्षा में पूछा गया कि सत्यशोधक समाज के संस्थापक कौन है, और इनकी एक पुस्तक है गुलाम गुलाम गुलामगिरी। ठीक है भाई, गुलाम गिरी जो है इनकी किनकी पुस्तक है, तो ये ज्योतिबा फूले की जो है गुलामगिरी पुस्तक है, ये कई बार पूछी गई। ठीक, ध्यान रखिएगा, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में संस्कृत एवं शिक्षा के अधिकार का उल्लेख किया गया है, राइट आंसर हो जाएगा आपका कौन सा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अनुच्छेद 29 से 30। भारतीय संविधान के किस राज्य के नीति निदेशक तत्व तो किस देश से गृहीत किए गए हैं, तो ये लिए गए हैं, ये आपको बताना है, तो ये आप जानते हैं आयरलैंड से। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर बिल्कुल यहां सही हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पे आपको ध्यान देना है, देखिए मूल संविधान पूछा जाए तो संयुक्त राज्य अमेरिका से, समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से। ठीक है, संघ और राज्य संबंध किससे लिया गया, कनाडा से, और आपातकाल किससे लिया गया, जर्मनी के संविधान से लिया गया है। अगला है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह निर्धारित करता है कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित कानून भारत के क्षेत्र के भीतर सभी अदालतों पर बाध्यकारी होगा, तो राइट आंसर इसका कौन सा हो जाएगा, ये आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अनुच्छेद 141 कहता है। ठीक है, निम्नलिखित में से किस राज्य के उच्च न्यायालय का न्यायिक अधिकार क्षेत्र केंद्र शासित प्रदेश दमन और दीव तक फैला हुआ है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा भाई, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बंबई उच्च न्यायालय के। भागीरथी नदी का उद्गम गोमुख हिमनद से होता है, या देवप्रयाग में अलकनंदा से मिलकर स्पेस नदी बनाती है, राइट आंसर आपका यहां हो जाएगा, तो ये गंगा से, ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा।
निम्न में कौन सा भारत और विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है, ये आपको बताना है। राइट आंसर हो जाएगा केवल लाम जाओ राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल यहाँ सही हो जाएगा, ठीक है। ये कहाँ है, मणिपुर, ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। हरित क्रांति के दौरान किसानों द्वारा बाजार में अधिशेष के रूप में कौन सी उपज उपलब्ध थी, तो कौन थी भाई, ये गेहूं और चावल, तो ये 1966 और 67 में जो है हरित क्रांति आई थी, ठीक है। SS MS स्वामीनाथन जो है आपके हरित क्रांति के जनक कहलाते हैं। सबसे ज़्यादा पंजाब, हरियाणा और उत्तरी पश्चिमी जो है UP में इसका विकास किया गया, देखा गया था, ठीक है। राउल केला स्टील प्लांट जर्मनी के सहयोग से भारत के किस राज्य में स्थापित किया गया था, ठीक है भाई, तो ये राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा, तो ए नंबर उड़ीसा में, ठीक है भाई, उड़ीसा में। इसका उद्घाटन जो है 1959 में जो है राजेंद्र प्रसाद ने किए थे, ठीक है, राष्ट्रपति थे। ओजोन परत वायुमंडल के निम्नलिखित में से किस परत में पाई जाती है, ये कई बार परीक्षा में प्रश्न पूछा गया भी, ये समताप मंडल में पाई जाती है, ठीक, तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। देखिए क्षोभ मंडल में जो है जितनी मौसम संबंधी घटनाएं जो है इसी क्षोभ मंडल में ही होता है, ठीक है। MS Excel 365 में कौन सा सेल रेफरेंस प्रकार किसी फार्मूले को कॉपी करने और किसी अन्य सेल में पेस्ट करने के बाद फार्मूले में सेल रेफरेंस के नए स्थान को रिफ्लेक्ट करने की अनुमति देता है, सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा रिलेटिव सेल रेफरेंस। पत्तियों से पानी वाष्प के रूप में एक प्रक्रिया द्वारा निकलता है जिसे स्पेस कहते हैं, क्या कहते हैं भाई, उसे वाष्पोत्सर्जन कहते हैं, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला है याकृत ग्रंथि स्रावित करती है जो पित्ताशय नामक एक थैली में संग्रहित होता है, तो क्या स्रावित करती है भाई, ये पित्त रस करती है, ठीक, तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल यहाँ सही हो जाएगा। करेगी गलगंड निम्नलिखित में से किस ग्रंथि की एक बीमारी है, राइट आंसर हो जाएगा ये थायराइड ग्रंथि के, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से किस रोग को टीकाकरण द्वारा रोका नहीं जा सकता है, तो कौन सा भी राइट आंसर हो जाएगा आपका ये बेरी बेरी रोग, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, ठीक है, टाइफाइड चेचक रेबीज ये टीकाकरण द्वारा रोका जा सकता है। निम्नलिखित में से क्या घरेलू आय में शामिल नहीं है, तो यहाँ पे राइट आंसर कौन सा हो जाएगा भाई, देखिए देश के सभी कर्मचारियों द्वारा अर्जित आय शामिल है, देश के निवासियों द्वारा अर्जित आय शामिल है, देश के सभी उद्योगों द्वारा लाभ शामिल है, देश के बाहर निवासियों द्वारा अर्जित आय शामिल नहीं, राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, डी नंबर आपका। मोहिनी अट्टम किस राज्य की एक नृत्य शैली है, ठीक है भाई, तो मोहिनी को क्या नहीं पसंद है भाई, करेला, ठीक है, मोहिनी नाम की लड़की है उसे करेला पसंद नहीं है, तो केरल, ठीक है भाई, करेला केरल, बी नंबर आपका बिल्कुल यहाँ सही हो जाएगा। दशहरा उत्सव को स्पेस के नाम से भी जाना जाता है, तो इसे विजय दशमी के नाम से जाना जाता है, राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला देखते हैं भाई, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, तो ये जानते हैं आप, इंपॉर्टेंस है, कई बार परीक्षा में है भाई, ऑप्शन बी हो जाएगा 8 मार्च। सितंबर 2024 में किसे उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, तो ये कौन बनी है भाई, ये बबीता चौहान बनी है, ठीक है, ये आगरा की है ना, ऑप्शन सी हो जाएगा। कहने सितंबर 2024 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस राज्य में विश्व शांति बुद्ध विहार का उद्घाटन किया, तो कहाँ पे किए भाई, ये महाराष्ट्र में, राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। अगला है अगस्त 2024 में किसने मिस अर्थ इंडिया 2024 का खिताब जीता है, तो भाई किसने जीता है, ये जो है गौरी गोथानकर हैं, ठीक है, गौरी गोथानकर, तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा आपका, आपका डी हो जाएगा, ठीक। तो इस प्रकार देखिए 100 क्वेश्चन पूरे कंप्लीट हो गए भाई, तो ये हमारा ये 6 नंबर का प्रैक्टिस सेट कंप्लीट होता है, तो अभी इसमें भी 4 हैं, ठीक, इसके समाप्त हो जाएंगे तो आपको हम देखिए यूथ का भी करा देंगे, ठीक है भाई, तो आशा करता हूँ ये आपको पसंद आया, अगर पसंद आया तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, मिलते हैं 7वें प्रैक्टिस के साथ, ठीक है भाई, तो वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।